उनको लगता है कि ना शायद वो ज्यादा रेजोनेट कर सकता है उनसे, जी जी पर आज तक मुझे इसकी लॉजिक समझ नहीं आई। तो उन्हें कहीं से अशोक सेन के मिल गया। अब उनका ख्याल था कि ये बड़े हलवा किस्म के होंगे, मगर जब उन्होंने खोले तो यार अशोक सेन के शायद नाम को पता नहीं होगा कि अशोक सेन है कौन। तो उसमें एक साहब थे जो कि जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की हुई थी आई थिंक, और वो कह रहे थे कि ये क्लेम कर रहे थे कि ये एलियंस हैं, और उन्होंने वो कह रहे थे कि मैंने फिजिक्स पढ़ी हुई है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, और एट दी एंड इट टर्नड आउट कि उन्होंने एक कोर्स लिया हुआ था ये माइनर में, राइट। सो ये बड़ा मसला है, राइट। फीमेल्स पॉडकास्ट के सीजन टू के यू नो एपिसोड नंबर 7 के लिए आज हमारे जो गेस्ट हैं वो डॉक्टर बाबर कुरैशी हैं। आप एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हैं और आपके जो रिसर्च इंटरेस्ट्स हैं वो क्वांटम फील्ड थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी और थियोरेटिकल फिजिक्स इन जनरल हैं। तो सर यू नो इससे पहले कि हम यू नो बाकी टॉपिक्स पर बात करना स्टार्ट करें, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने पीएचडी के काम के बारे में कुछ बताएं ताकि लोग थोड़े से फेमिलियर हो सके आपके काम से। पीएचडी के मेरा जो काम है इट्स ऑन क्वांटम फील्ड थ्योरी ऑन नॉन कम्यूटेटिव स्पेस टाइम्स, और इसमें देयर इज अ पर्टिकुलर अप्रोच वी डेवलप्ड एंड दैट वाज यूजिंग हॉफ अलजेब्रा टेक्निक्स, डीफॉर्म्ड हॉफ अलजेब्रास फॉर पॉइंकरे ग्रुप टू यूज देम टू डिफाइन क्वांटम फील्ड थ्योरीज। सो एसेंशियली गिविंग अ सिमेट्रिक प्रिंसिपल फॉर नॉन कम्यूटेटिव स्पेसेस व्हिच कैन देन बी यूज्ड टू डिफाइन क्वांटम फील्ड थ्योरीज नॉन कम्यूटेटिव स्पेसेस। यानी कि आप जब आप नॉन कम्यूटेटिव स्पेसेस कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो स्पेस टाइम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपस में कम्यूट नहीं करते, राइट? जी 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 एग्जैक्टली राइट। सो इसके अलावा अच्छा सर आपके पीएचडी के काम के अलावा एक और आपका एक पेपर है उसके अलावा, चूंकि उसमें आपके ना एक कोऑथर डॉक्टर विकार हुसैन है, तो जब डॉक्टर विकार हुसैन के साथ मेरी बात हो रही थी तो उनसे भी मैंने इस पेपर के बारे में पूछा था, बिकॉज ये पेपर काफी इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, और वो है उसका नाम है ग्रेविटी और टाइम यू नो टाइम डिपेंडेंट कॉन्स्टेंट्स, राइट। सो उसमें आपने ये शो किया था कि कुछ यू नो जो कपलिंग कॉन्स्टेंट्स हैं और जो मैथ फॉर एग्जांपल है अगर आप 5-4 फील्ड में देखें तो वो टाइम के साथ इवॉल्व करता है, लेकिन उसमें आपने एक बात पेपर में लिखी है कि यू नो टाइम को डिफाइन करने के एक से ज्यादा तरीके हैं, तो आपने जो टाइम को डिफाइन किया वो दरअसल यू नो स्पेशल वॉल्यूम से डिफाइन किया, राइट। सो उसमें आपने ये भी लिखा है कि यू नो अगर आप डिफरेंट तरीकों से डिफाइन करोगे टाइम को तो डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप उस पेपर में देखें तो मैथ जो है वो टाइम के साथ इस तरह इवॉल्व हो रहा है कि जो यू नो एम जो है वो एम ओवर टी है, राइट। सो मैंने पूछना यह था कि अगर हम किसी और तरीके से डिफाइन करें तो कभी आपने देखा है कि मैथ्स का किसी और तरीके से चेंज होता है क्या, या मैथ्स के चेंज होने का तरीका जो है वो यही है? Well, obviously, I mean, you know that there is this problem of time in quantum gravity. If you take the whole universe in a quantum mechanical sense, so the equation you get is the Wheeler-DeWitt equation, which essentially says that the Hamiltonian is zero. So there is no time evolution. So that means you have to look for some way of defining evolution inside the wave function. So there are different ways of doing it, like relating some degrees of freedom in the wave function with the others, defining some kind of relational probabilities between different aspects. One could be that you pick up some degree of freedom which you track and then which you consider as a clock. And then you consider the evolution of other degrees of freedom with respect to this, that how they relate to this, and you treat this internal thing as a clock. Now, there's no like unique way of picking it up. But personally, I think, I mean, I wrote that paper. First of all, this paper hasn't been published. A lot of work has to be go into that paper, and somehow our collaborators are not finding time to again sit together and discuss it. Personally, I feel like there is, when we are saying that constants of like some constants are becoming time dependent and you're picking a particular choice of time, we do experiments with respect to some Minkowski space-time. We have, locally, we have some symmetries present
kind of a flat space time peasant, and we do experiments. All the standard model constants are with respect to the that definition of quantum field theory. Now the issue is that can we get starting from a big wave function, a Wheeler-DeWitt type equation, and then usme jaise humne ek particular choice li hai, wahan se getting a Poincare invariant quantum field theory, is it possible and is it unique? Those things require much more effort, which frankly speaking is somewhat at hand waving level in what we have done. So that's what I would say. Okay. अच्छा सर, आपके इस काम के थोड़े से सवालात के बाद, अच्छा मैं एक ना एक तरह के सवालात में पूछना चाहता हूँ, जो कि आप कह सकते हैं कि यू नो उन फीचर से मुतालिक है, जो कि जब एक स्टूडेंट जो है वो थियोरेटिकल फिजिक्स को अपने तौर पे सीख रहा होता है या सीख रही होती है. अब ऑब्वियसली यू नो यूनिवर्सिटीज में तो लोग सीखते ही हैं थियोरेटिकल फिजिक्स, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि यू नो सेल्फ स्टडी भी करना चाह रहे होते हैं साइड पे, राइट? सो उसमें एक जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि यू नो एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन अगर आपने सीखना है तो उसमें कौन सी बुक यू नो आपके साथ ज्यादा सबसे अच्छे से रेजोनेट करेगी, वो सेलेक्ट करना बुक, उसमें काफी टाइम लग सकता है. तो इसमें एक दो तीन क्वेश्चंस मैं पूछना चाहता हूँ. एक तो ये है कि यू नो चूंकि ज्यादातर जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटीज में आते हैं FSC पढ़ के या मैट्रिक पढ़ के, राइट? सो वहाँ पे यू नो आपको पता है कि एक ही बुक होती है, और ज्यादातर स्टूडेंट्स के जहन में ये बात होती है कि यार एक ही बुक हो सकती है, उनको कभी इस तरह एक्सपोज नहीं किया जाता कि एक ही चीज पढ़ने के लिए मल्टीपल बुक्स हो सकती हैं. तो उनको यूनिवर्सिटी में आने के बाद ना ये मेंटेलिटी जरा निकलना माइंड से मुश्किल होता है कि यू नो मोर देन वन बुक कैन एग्जिस्ट. सो आपको क्या लगता है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टीचर्स क्या कर सकते हैं कि ये बात जरा जल्दी से निकल जाए उनके माइंड से, और स्टूडेंट खुद क्या कर सकती हैं कि ये सिंगल बुक मेंटेलिटी से वो जरा जान छुड़ा सकें? आई मीन अगर स्टूडेंट्स को सही गाइडेंस मिले तो जाहिर है वो तो फिर ही वो समझ सकेंगे कि दे नीड टू कंसल्ट मैनी बुक्स मैनी रिसोर्सेस. अगर उनको समझ में आ गई है कि दे हैव टू डू इट, देन प्रॉब्लम इज ऑलरेडी सॉल्व. तो अगर आपने कहा कि स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, इफ दे ऑलरेडी नो कि दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू, देन दे विल ओपन मैनी बुक्स. बट द प्रॉब्लम इज के जैसे टीचर्स उनको स्टार्ट में लेके चलते हैं ना फर्स्ट ईयर में, I think a lot of it is established in your first 2 years of university. Okay, how you see, okay, how you're going to study, what university education means. So it depends a lot on the teachers. Ab isme mere khayal mein teachers ka to sabse important cheez mere khayal mein to ye hai ki apart from telling them many books, their lectures, their presentation should not be following any book. This is what I feel. Because this is not just because ke books koi achhi available nahi hai, ya they can provide a better presentation than a book jiske upar badi research hui hai. The point of this is ke students ko ye nazar aana chahiye ki this is something which we argue, which we develop. Physics is not some kind of a God-given thing. It's something which we think about, we develop. And if they see ke ye jo hamare samne teacher hai, ye soch raha hai, iska apna ek nazariya hai iske bare mein, ye try karta hai, ye is problem ke bare mein sochta hai aur isko solve karne ka ek tarika nikalta hai aur different problems sochta hai, so then they realize ke this is something which we can do. And especially in Pakistani context, unko hamare to sabse pehle ye jo hai na ek cheez, kyunki tamam books ke upar naam hote hain western, to zehen mein ye hota hai ke ye jo cheez hai na ye to kahin waise hi aati hai, ये कोई हमारी करने की चीज नहीं. हम ज्यादा से ज्यादा इसको ये है कि थोड़ा बहुत अप्रोच करने की कोशिश कर सकते हैं, वरना ये हमारे बस से बाहर की है. तो अगर इफ दे सी के देयर टीचर इज अ फिजिसिस्ट और अ मैथमेटिशियन, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल, एंड अ स्कॉलर एट व्हाटएवर लेवल, तो आई थिंक दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बिकॉज देन दे रियलाइज के दे कैन ऑल्सो अप्रोच द सब्जेक्ट फ्रॉम देयर ओन पर्सपेक्टिव. इसमें अभी आपने जो बात की कि यू नो स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि ज्यादातर जो बुक्स हैं उन पे वेस्टर्न नेम्स हैं, तो उनके जहन में ये बात आती है कि यू नो ये हमारे बस से बाहर है. तो आई थिंक ये चीज एक्सप्लेन करती है इस चीज को कि मैंने एटलीस्ट मैंने ये देखा है कि फॉर एग्जांपल पंजाब यूनिवर्सिटी में, आप भी पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, कि वहां पे मैंने देखा कि स्टूडेंट्स ना बहुत प्रेफर करते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर उनको इंडियन ऑथर की बुक मिले, क्योंकि उनको लगता है कि ना शायद वो ज्यादा रेजोनेट कर सकता है उनसे. जी जी. पर आज तक मुझे इसकी लॉजिक समझ नहीं है कि क्यों वो इतना प्रेफर करते हैं इंडियन ऑथर्स को. हाँ, आई थिंक इसमें एक कल्चरल एस्पेक्ट है ना, उनको लगता है कि शायद इंडियन ऑथर ने लिखी है तो वो कोई हमारे हिसाब से लिखी होगी, और थोड़ा शायद ये भी है कि
चूंकि हमें ट्यूशन वगैरह पढ़ने की आदत होती है, तो उनको लगता है कि शायद ये भी कुछ ऐसा ही कोई खुलासा, जिसे कहते हैं ना गाइड, वो लिखी हो. बल्कि इसमें एक बड़ा एक दिलचस्प वाकया हाल ही में हुआ. मेरी कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं क्वांटम फील्ड थ्योरी का मैंने काम दिया हुआ था, तो वो डिफरेंट डेविड टोंग के इधर उधर के लेक्चर नोट्स देख रही थी. तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि हम किसी इंडियन ऑथर के ना लेक्चर नोट्स देखते हैं. तो उन्हें कहीं से अशोक सेन के मिल गया. अब उनका ख्याल था कि ये बड़े हलवा किस्म के होंगे, मगर जब उन्होंने खोले तो यार अशोक सेन के शायद नाम को पता नहीं होगा कि अशोक सेन है कौन. अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन ये कि अभी आई थिंक मैंने वो जो अब बुक वाला क्वेश्चन जो स्टार्ट उस तरह गया, फिर मैं किसी और तरह चला गया. सो सपोज करें कि अगर हमने कोई नई चीज अगर पढ़नी हो, नया डिसिप्लिन है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, तो अब आप अपने बारे में बता सकते हैं कि आप क्या चीजें देखते हैं एक बुक में जिससे आपको पता लगे कि यू नो ये बुक जो है वो मेरे साथ रेजोनेट करती है, तो मैं इस बुक से पढ़ सकता हूँ. अब फॉर एग्जांपल हमेशा जो ये क्या कहते हैं डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं वो इतने रैशनल नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल मेरा एक जो चीज है जो कि जिससे मैं डिसाइड करता हूँ वो ये है कि क्या अच्छी मैथमेटिकल टाइपोग्राफी उसके अंदर है. अगर बुरी मैथमेटिकल टाइपोग्राफी हो तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये बुक मेरे लिए अच्छी नहीं है, हालांकि आई थिंक ये तो रैशनल सा बिलीफ है. तो आपके क्या ख्याल है कि एक अच्छी बुक, यानी कि ऐसी बुक जो कि आपके साथ रेजोनेट कर सकती हो, उसको सिलेक्ट किस तरह किया जाए? आई थिंक जैसे आपने कहा ना, ये बड़े ही सब्जेक्टिव फैक्टर्स होते हैं. इवन जैसे आपने कहा कि टाइपोग्राफी अगर ठीक नहीं है तो इट्स एसेंशियली अ नो नो, वो नहीं पढ़ी जाती आपसे. और इन द एंड इट कम्स डाउन टू योर स्टाइल कि कौन से किस किस्म की बुक्स, किस किस्म की राइटिंग जो है वो आपके लिए इजी है, आप उसको ज़्यादा समझते हैं. देयर आर मोर फिजिकल एक्सप्लेनेशंस, देयर आर मोर मैथमेटिकल थ्योरम. सम पीपल प्रेफर दिस काइंड ऑफ प्रोपोजिशन थ्योरम प्रूफ, दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट. सम पीपल प्रेफर मोर इनफॉर्मल. Or informal maybe, then they become many, many different kind of styles. So I think it comes down to your personal preference. And I think these personal preferences to a large extent, I feel like are also established during your own student years. Ke aapke jo advisors hain, wo unka kya style tha, to aap unse seekhte hain. Kyunki jo, aur yahan pe agar aapka koi advisor nahi tha, jo aapne jahan se aapne khud start kiya, jin book se aapne khud start kiya. क्योंकि जो फर्स्ट इंप्रेशंस होते हैं ना, वो बड़ा गहरा असर छोड़ते हैं हमारे दिमाग पे. तो आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि आप अपने अंडर ग्रेजुएट ईयर्स में, लेकिन लाइक सम ऑफ अस, लाइक आई डिडंट हैव एनी चांस टू स्टडी मच ड्यूरिंग माय अंडर ग्रेजुएट ईयर्स. देयर वाज नो रिसोर्सेज, नो नॉलेज. सो इन योर बिगिनिंग ग्रेजुएट ईयर्स यू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू स्टडी बुक्स, यू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, सो दैट यू कैन have an idea कि आपका style क्या है और आपको किस किस्म की fields और किताबें पसंद हैं. ये बात आपकी आई थिंक बिल्कुल ठीक है, एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक. तो कि यू नो फर्स्ट इंप्रेशन जो है उसका बहुत फर्क, उससे बहुत असर पड़ता है. फॉर एग्जांपल अब मैंने पहली बुक जो है QFT पे पढ़ी है, वो पैस्कल एंड श्रोडर है. मैं कोई और बुक अगर पढ़ लूँ ना, तो उसमें अगर डिफरेंट नोटेशन हो तो मैं उसको ट्रांसलेट करता हूँ पहले पैस्कल एंड श्रोडर की नोटेशन के अंदर, और फिर उसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ. इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल CFT जहाँ से पहले पढ़ी थी, तो अब फॉर एग्जाम्पल जो ये कहते हैं ये जो डी फ्रांसेस्को की नोटेशन है, ये मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मेरा जो पहला इंप्रेशन था CFTs का वो कहीं और से आया था, तो मुझे वो नोटेशन अच्छी लगती है. तो आई थिंक ये काफी सही बात है कि यू नो. लेकिन मैं इसमें एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई नई चीज सीख रहे हैं या अपना स्टाइल चेंज करना चाहें या कोई नई बुक पढ़ना चाहें, स्टार्ट में हेजिटेशन होती है. स्टार्ट में आपको लगता है कि यार आई विल नॉट गेट इट, दिस इज वे टू हार्ड. इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टूडेंट, इट्स फॉर एवरीवन. तो बट इफ यू स्पेंड सम टाइम, इट्स ऑल अबाउट फेमिलियरिटी. एक मेरे एक टीचर थे, वो कहते थे कि ये फिजिक्स जो है इट्स ऑल अबाउट डिफ्यूजन, इट्स नॉट समथिंग के विच यू गेट कम्प्लीटली, इट्स जस्ट अबाउट गेटिंग यूज्ड टू ऑफ इट, इट्स एन आर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट. सो इफ यू स्पेंड सम टाइम, मैनी फील्ड्स विच जो के स्टार्ट में लगा कि यार ये क्या है, दिस इज जैसे आपने कहा पैस्कल एंड श्रोडर, तो आपका एक माइंड सेट बन जाता है कि क्वांटम फील्ड थ्योरी इज अबाउट दिस. देन यू सी अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव. शुरू में आपको अजीब लगता है, लेकिन इफ यू स्पेंड सम टाइम, then you do start getting it. So I think it's perseverance is extremely important in physics. मुझे इसकी एक अच्छी एग्जांपल याद आ रही है कि जब ज्यादातर लोग जो QFT पढ़ के जाते हैं और उसके बाद सपोज करें अगर वो स्ट्रिंग्स को पढ़ना चाहते हैं, तो वहां पे मैट्रिक फिर स्विच हो जाता है. तो वो मैट्रिक याद डालनी पड़ती है, राइट?
कि वहाँ पे टाइम के साथ नेगेटिव है तो वहाँ पे टाइम के साथ पॉजिटिव है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन जिसपे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि ये ऐसे पिटफॉल्स हैं जो कह रहा जिसके अंदर मैं खुद भी गिरा हुआ हूँ, बड़ी मुश्किल से निकला जाता है इससे। तो आई थिंक ये सिर्फ मेरे लिए सही नहीं है, आई थिंक काफी फिर स्टूडेंट्स के लिए सही होगा। सो मैं चाहता हूँ कि ना इस पे बात होनी चाहिए, क्योंकि ना मैंने देखा कि बहुत कम टीचर्स इसके ऊपर क्लासरूम्स में एटलीस्ट बात करते हैं। वो ये है कि ना अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप अंडर ग्रेजुएट ईयर से आपने स्टार्ट किया फिजिक्स पढ़नी, फिर आप ग्रेजुएट लेवल पे गए हो, तो जैसे जैसे फिजिक्स हार्ड होती रहती है ना, तो होता ही है कि आहिस्ता आहिस्ता ना आपको ना एक्सरसाइजेस ना करने की आदत पड़नी शुरू हो जाती है, और ये कैसा पिटफॉल है जिससे ना निकलना बड़ा मुश्किल है। और एक और चीज के आपको ना स्टेप्स करने की आदत जो है वो जाती जाती। अच्छा कई दफ़ा ऐसे होता है कि कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो कि आप अपने दिमाग में कर सकते हो तो वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जिसके लिए आपको पेपर और पेंसिल पकड़ के वाकई में स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो कई लोग ना वो स्टेप्स नहीं करना चाहते क्योंकि उनको लगता ये है कि ना ये हमारा रीडिंग टाइम खा रहा है ये स्टेप्स करना, जो कि आई बिल्कुल थिंक बिल्कुल सही नहीं है, राइट? तो आपको क्या लगता है कि इस पिटफॉल से इस पिटफॉल में ना गिरने के क्या तरीका है, और अगर गिर जाए तो फिर निकलने का तरीका क्या है? मैं पर्सनली ये ख्याल है कि आई मीन आई हैव माय सेल्फ फॉलन इनटू बिल्कुल आई मीन से कहें इनटू दिस पिटफॉल एंड स्पेशली स्टूडेंट एज में तो इतना नहीं, जब व्हेन यू आर इन अ जॉब स्पेशली इन पाकिस्तान व्हेन यू हैव सो मेनी अदर थिंग्स टू डू देन यू स्टार्ट अडॉप्टिंग टू दिस हैबिट of not doing things in detail. Personally, मैंने देखा कि इसका जो मेरे लिए वर्क करता वह तरीका वो यही है कि you pick some project. अगर आपने कोई एक नया सब्जेक्ट सीखना है तो उसमें कोई प्रोजेक्ट ढूंढें, किसी से पूछ ले, या कोई रिसर्च प्रॉब्लम नहीं है तो जस्ट डिसाइड कि आई एम गोना राइट अ समरी ऑफ दिस, आई एम गोना एक्सप्लेन टू दिस, आई एम गोना मेक अ राइट अप. अनलेस यू राइट समथिंग देन इट्स इन माई ओपिनियन इट गेट्स वेरी वेरी हार्ड टू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड थिंग बिकॉज यू फील लाइक कि यार अच्छा मैंने पढ़ लिया, समझ में आ गई, हो गया. वेन यू आर राइटिंग सम काइंड ऑफ अ पेपर इवन इफ इट्स नॉट वेरी डीप, वेल नॉट वेरी डीप उस तरह से नहीं, मैं कह रहा कि जैसे एक पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि बिल्कुल बस आपने पेपर बस बनाना है, उस तरह से नहीं. यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड समथिंग एंड एज अ रिजल्ट यू वॉन्ट टू राइट समथिंग. सो वेन यू आर राइटिंग इट्स लाइक यू एक्सप्लेनिंग टू समवन, तब आपको पता चलता है कि किसमें से कितनी चीज़ें जो हैं आपको नहीं आती हैं और कितनी चीज़ें आपने ग्लॉस ओवर की हैं और कितनी चीज़ों की आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल गलत थी, वो असल में कुछ और है, आप कुछ और समझ रहे थे. तो मेरे ख्याल में इट कैन बी वेरी, इन माई पर्सनल ओपिनियन इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू पिक प्रोजेक्ट्स एंड वर्क ऑन देम. दे मे नॉट बी एज अ स्टूडेंट दे मे नॉट बी लाइक रियल रिसर्च प्रोजेक्ट्स बट जस्ट रिपीटिंग सम कैलकुलेशन कि यार ये एक बड़ी मशहूर कैलकुलेशन है, आई एम गोना जस्ट डू इट. So and do it means that you're gonna write a report on it. So unless you do that, you won't get it. So you have to. I think students ko ye aadat dalni chahiye writing reports. I see. So ये आप ये कह रहे हैं कि इस तरह से आपको steps करने की आदत हो सकती है, लेकिन अगर हम student years में देखें तो एक और जिसकी मैं पहली बात कर चुका हूँ वो है exercises ना करने की आदत. और उनको लगता है कि ना यार exercise जो मैं करूँगा ना उससे बेहतर है कि मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ लूँ, राइट? ये एक बहुत ही आई थिंक प्रेवलेंट क्या कहना चाहिए टेंडेंसी होती है माइंड की, या माइंड हमें बताता है यार जब एक्सरसाइज करोगे ना अगर तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, राइट? तो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ लो, बहुत ज्यादा बेहतर है. लेकिन इतने कुछ साल फिजिक्स पढ़ने के बाद मुझे समझ आई कि नहीं, एक्सरसाइज ना करना जो है वो आपको नुकसान देती है, ना कि ऐसा कि आप आपको ऐसा नहीं है आपका टाइम बचाता है एक्सरसाइज ना करना. सो आपको क्या लगता है कि ये आदत भी शुरू से डालनी पड़ती है या फिर बाद में भी? आई थिंक इसमें डिपेंड्स अ लॉट ऑन आपके टीचर्स और आपके इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंड करता है कि लाइक इवन के हमारे यहाँ तो ये कि इवन अंडर ग्रेजुएट में ये चीज स्टार्ट हो जाती है. इवन के आप समझते हैं कि फर्स्ट ईयर फ्रेशमैन ईयर में ये स्टार्ट हो जाती है कि बस आपने एग्जाम की तैयारी करनी है और आपने एक्सरसाइज नहीं करनी है. एंड एज यू मूव फॉरवर्ड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के कोर्सेज में पीपल डोंट गिव एक्सरसाइजेस, तो वहाँ से ही आदत पड़ना शुरू हो जाती है. अगर आप देखें US में अच्छी यूनिवर्सिटीज में इवन जो ग्रेजुएट कोर्सेज हैं वहाँ पे तो बल्कि अमूमन होता ही है कि जो प्रोफेसर आता है वो क्लास में थोड़ी सी बातचीत करता है कि यहाँ पे ये भी हुआ है वो भी हुआ है बस खत्म. एंड देन दे गिव यू अ रियली रियली टफ प्रॉब्लम सेट व्हिच टेक्स अप ईट्स अप योर होल वीक एंड दैट्स हाउ योर ग्रेजुएट कोर्सेज गो. आई हैव सीन लाइक इवन इन US के देयर इज अ ग्रेडेशन, लाइक नॉट ऑल यूनिवर्सिटीज डू इट बिकॉज जो लोअर टियर यूनिवर्सिटीज हैं maybe they have good professors magar unko ye expectation hoti hai ki hamare paas jo students hain they are not that good.
तो वहां पे दे डोंट डू दिस लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन आई सॉ इट इन हार्वर्ड एट एमआईटी वहां पे तो एक्सरसाइजेस आर लाइक क्रेजी आई मीन दे एक्सट्रीमली हार्ड एक्सट्रीमली क्रेजी सिरेक्यूज में ये था कि इट वाज अ मिक्स पैक लाइक जो थ्योरी ओरिएंटेड प्रोफेसर्स थे अगर उनके साथ आप कोर्सेज लेंगे दे विल गिव यू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस देन बट देन देयर वर सम अदर्स हु विल give you easier exercises but exercises were always there like even at Syracuse mujhe yaad hai jab humne classical mechanics ki thi Goldstein ki book I mean it was crazy I had done it in my MSc but that was a completely different experience kyunki MSc mein kya tha ki humne koi exercises nahi ki aur similarly jab humne statistical mechanics jab maine Syracuse mein ki wahan pe book to yahi thi standard kya naam hai uska भी देखी थी अपनी एमएससी में मगर हमने उसका कोई एक्सरसाइज नहीं की अब इशू ये है कि आप पाथरिया पढ़ लें इस कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग उसके एंड में जो एक्सरसाइज दी हुई है यू स्टार्ट डूइंग दोस इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम तो दे वर वी वर फोर्स्ड टू डू इट क्योंकि हर वीक आपके पास सात आठ प्रॉब्लम थी जो आपने कही नहीं तो आई थिंक इसमें आई वुड से कि अनलेस टीचर्स और यूनिवर्सिटीज टेक अ स्टेप इट्स वेरी हार्ड एज अ स्टूडेंट टू डिसिप्लिन योरसेल्फ टू दिस एक्सटेंट इसमें मुझे याद आ रहा है कि वो जो बड़ी मशहूर बुक है ना क्वांटम मैकेनिक्स की जेजे साकुराई की उसमें जो प्रीफेस लिखा हुआ है जॉन बेल ने उसमें उन्होंने डॉक्टर जेजे साकुराई को एक कोट मेंशन किया उन्होंने कहा है कि इफ अ स्टूडेंट हैज रेड द बुक but if he or she can't do exercises student has learned nothing right chahe usne chahe sari ki sari book pad bhi li ho chahe ek do dafa acha ek aur baat ye jo bhi aap baat kar rahe hain na ki you know pakistan ki universities mein exercises msc level pe abhi bs level pe nahi di jati balki usme na maine ek aur trend dekha wo usme ye bahut aur bahut khaufnak aur afsosnak trend hai ye ki hota ye hai ki exercises di jati hai lekin wo bahut kam aur bahut selected exercises di jati hain aur students ko bataya jata hai ki jo exercises aapne solve ki hai na बस इन्हीं में से कुछ जो है वो एग्जाम्स में आएंगी राइट तो वो अनसीन एक्सरसाइजेस तो वो फिर भी सॉल्व नहीं कर सकते अगर वो एक्सरसाइजेस सॉल्व कर भी लें जो उनको दी जा रही हैं राइट तो आप ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने वो वाकई की है नहीं आई डोंट एग्री लाइक मेरे ख्याल में तो अगर वो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो तब तो उनको एग्जाम लेने की जरूरत भी नहीं है लेकिन हो असल में ये रहा होता है कि उनमें से एक ये दो कर रहे होते हैं और बाकी कॉपी छापा मार रहे होते हैं या फिर वो अपने सीनियर के नोट्स से हाँ नहीं अगर तो वाकई में लाइक आई मोस्टली व्हाट आई हैव डन लाइक टू वेरिंग डिग्री समटाइम्स व्हेन आई हैव लेस टाइम लेस मोटिवेटेड देन प्रोबेबली आई गो टुवर्ड्स बुक्स बट मोस्टली व्हाट आई डू आई ऑलमोस्ट 90% आई ट्राई टू राइट माय एक्सरसाइजेस नॉट लाइक ओरिजिनल माय आइडियाज लाइक लुकिंग समवेयर फ्रॉम द इंटरनेट कोई आइडिया लिया उसको अपने वर्ड्स में लिख दिया ताकि सो दैट दे कैन नॉट गूगल इट एंड फाइंड दी सॉल्यूशन तो अब इस तरह की अगर आप एक्सरसाइजेस टीचर्स दें देन दे डोंट हैव क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अगर आप बुक से देंगे ना तो वो सबके पढ़े हुए मैनुअल्स और वो उतारते हैं और वो खा लेते हैं इस तरह की अगर आप एक्सरसाइजेस दें ना तो देन पीपल आर फोर्स्ड टू वर्क उसमें सिर्फ एक मसला आता है कि स्टूडेंट्स की आपस में दोस्तियाँ यारियाँ होती हैं एक दो करते हैं और बाकी कहते हैं कि यार आप हमें दे दें सोल्यूशन अब उसका टीचर्स के पास वैसे इसके सोल्यूशन तो है कि अगर किसी ने कॉपी की हुई है तो आप या तो उसको पकड़े या फिर टीचर ये कहते हैं कि दो साइड पे चले जाते हैं वो ये कहते हैं कि आई एम गोना गिव अ हार्ड एग्जाम ताकि जिन्होंने खुद नहीं किया वो उनका पता चल जाए दूसरा ये कहते हैं कि यार ये तो कॉपी ही कर रहे हैं इनसे तो एग्जाम होना ही नहीं है तो इनको जो मैंने एक्सरसाइज दी ही नहीं इसे कर दो सो इट फाइनली डिपेंड्स ऑन योर मूड ऑन योर ऑल्सो ऑन योर लाइक लीडरशिप ऑफ योर इंस्टीट्यूशन अगर आप इंस्टीट्यूशन ये कह रहे हैं कि यार पास करो इनको क्या तुमने तमाशा बनाया हुआ है तो ठीक है फिर फॉर एग्जांपल यू विल डू दैट इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन द कल्चर राइट तो इसमें क्या कहते हैं एक और क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहता हूँ अच्छा वो ना आप कुछ हद तक ग्रेजुएट लेवल जो यू नो ग्रेजुएट लेवल एजुकेशन है ना उससे मुतल्लिक है सो अगर आप देखें कि फॉर एग्जांपल अच्छा उससे पहले मैं एक और क्वेश्चन पूछूं आपने कहा कि आपने देखा कि एमआईटी और हार्वर्ड में तो एक्सरसाइजेज आर लाइक क्रेजी दे आर वेरी हार्ड और वहाँ पे कल्चर है करने का तो आपने एक पोस्ट डॉक जो है वो डबलिन से भी किया हुआ है तो वहाँ पे कैसा माहौल था एक्सरसाइजेज के हवाले से वेल डबलिन इट वाज अ जस्ट अ रिसर्च इंस्टीट्यूट तो वहाँ पे एज सच क्लासेस नहीं होती थी वहाँ पे और जैसे कि यूरोप में
this is kind of a very different system from US. Ke PhDs jahan pe hoti hain, Dublin mein PhD hoti thi, but PhDs don't take classes over there. PhD is already considered kind of a scholar. They have their own proposal. When they join, they have a proposal in the hand that this is they're going to work on. I don't like this system at all. Because in my opinion, ke US mein to is a very structured graduate program. This mein aapko courses bhi karwaye jate hain, aap padhate bhi hain, aap departmental activities mein bhi hote hain. You expected to take part in different journal clubs and always show up in your seminars. There's not much structure like this. So wahan pe Jabalpur mein bhi ab yahi issue tha ki it wasn't an undergraduate institute. So there were no classes at all. It was just a research institute. There were PhD students, but they were not taking classes. So I can't tell ke kaisa ho raha tha. There was Trinity, jahan pe Shatash Billy the. So I mean, we used to go there to listen to their seminars. Seminars Shatash Billy used to organize were of very, very extremely high caliber. But I can't say what they were doing in their classes. अच्छा इसमें आपने जो भी ये जो बात किया ना दरअसल कुछ हद तक मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ही था इसके अंदर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपको अच्छे से पता है कि यू नो यूएस में जो ग्रेजुएट लेवल एजुकेशन है और जो फॉर एग्जांपल यूके या यूरोप में ग्रेजुएट लेवल एजुकेशन है इट्स वेरी डिफरेंट फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूएस में देखें तो यू डू योर पीएचडी आफ्टर योर बैचलर्स और उसके अंदर ही मास्टर्स आप कह सकते हैं उसके अंदर ही होता है लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूके में देखें तो यू हैव टू डू योर मास्टर्स और फिर आप पीएचडी में जाते हो इसलिए वहां की पीएचडी जरा छोटी होती है तो यूएस में यह है कि चूंकि आप बैचलर्स करके आए हो तो आपको वो कोर्सेज लेने पड़ते हैं जो कि एक तरह से आप कह सकती हैं कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की एक्सटेंशन है जो जिनको फिर आपको टेस्ट किया जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्स के अंदर और फिर आप और कोर्सेज भी ले सकते हो आपको कोर्स वर्क की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आपके ख्याल में इनमें से बेहतर सिस्टम कौन सा है और एक और बात है इसमें कि कुछ लोग मैंने देखा है जो कि यूएस के सिस्टम को सपोर्ट तो करते हैं लेकिन वो ये कहते हैं कि यार ये जो यूएस में जो कोर्स वर्क करवा रहे हैं कोर्सेज के अपने भी एग्जाम्स होते हैं राइट सो क्या आपको उन एग्जाम्स के ऊपर भरोसा नहीं है ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम की क्या जरूरत है तो इस पे आपका क्या टेक है आई थिंक कॉम्प्रिहेंसिव की जो ओवरऑल फिलॉसफी है वो तो ये थी कि यू आर क्लेमिंग दैट यू गोना कम आउट विद अ पीएचडी तो आपको इस सब्जेक्ट की जो बेसिक्स हैं वो पता होनी चाहिए and you just take an exam as kind of a somewhat standardized within at least within the university exam which tells ke aapko aata hai courses ab ye hai ke there are different professors teaching at different times comprehensive mein pura department involved hota hai I think it's a good idea but it has kind of how much it's followed at different places it depends again on the quality they want to maintain and quality they want to maintain again depends a lot on what students they have so even in US you have these pressures like if you go to a Midwest you, no disrespect to Midwest in the Midwest se kiya is just an observation if you go to Midwest university comprehensive would be easier if you go to like if you're at MIT or Harvard the comprehensive will have a completely different flavor so I think in the general idea is very sound okay you should have a total grasp because courses are supposed to be a slightly different thing courses are supposed to be something during which you learn it's not really supposed to be a test usually at least that's how I feel इसी वजह से मैं यूजुअली कोर्सेज में लोगों को बड़े ग्रेड देता भी नहीं हूँ आई एम काइंड ऑफ फेमस फॉर दैट तो शुरू में मेरे कोर्सेज में अगर मैं अपना थोड़ा सा बता दूँ मेरे कोर्सेज में यूजुअली होता ये है कि स्टूडेंट्स जब आते हैं तो वो स्टार्ट में तो गालियाँ निकालते हैं कि ये क्यों इतना मुश्किल क्यों पढ़ाया जा रहा है और ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है बट वेन दे सी देयर ग्रेड्स देन दे आर यूजुअली हैप्पी देन दे टेल देयर नेक्स्ट पीयर्स के ये कोर्स ले लो ग्रेड का मसला नहीं है तो because I feel like a course is supposed to be an opportunity for students to learn comprehensive is a different philosophy it's a test like you really know the subject or not so mujhe ek waqia yaad aaya hamare ek wahan pe se ki usme ek sahab the wo mere hote hue nahi mujhe kisi ne bataya pehle kisi ke sath hua wo fail ho gaye comprehensive mein
अब उन्होंने सोचा कि या इसका देखें कि मे बी ही हैड अ बैड डे और समथिंग, सो आर देयर एनी रिडीमिंग क्वालिटीज. दे लुक्ड एट हिज ग्रेड्स इन कोर्सेज वर आल्सो बैड एक्सेप्ट फॉर वन कोर्स एंड ही हैड एन ए इन दैट. उन्होंने पूछा कि मे बी दिस प्रोफेसर सीज समथिंग विच वी डोंट. और उन्होंने उनको बुलाया और पूछा कि आप वुड यू लाइक टू से समथिंग इन हिज सपोर्ट कि आपने इसको ए दिया था. He said, well, this was not a very strong A. So I think comprehensive and courses are, in my opinion, different things. ठीक. अच्छा, इसमें एक और चीज है कि ये वाला जो मैं क्वेश्चन अभी आपसे पूछ रहा हूँ ना, ये मैंने ना इससे पहले डॉक्टर अहूद भाई से भी पूछा था, और उस क्वेश्चन पे ना मुझे थोड़ा सा बैकलैश आया था मेरे उन फ्रेंड्स की तरफ से जो कि ना यूके के सिस्टम को सपोर्ट करते हैं. उन्होंने कहा था कि यार तुम ये ना कहो कि यूके में कोर्सेज नहीं होते. वो कहते हैं यूके में भी ले सकते हैं आप कोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल यूरोप में, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सीसा में देखें, सीसा में तो मैंने खुद देखा है कि पीएचडी की कोर्सेज होते हैं. तो वो कहते हैं कि ये गलत क्या कहते हैं नैरेटिव है कि यूके और यूरोप में कोर्सेज नहीं होते, तो इस पर क्या कहना है आपका? मेरा जो आई मीन ऑब्वियसली आई हैवंट डन अ प्रॉपर रिसर्च ऑन दिस सब्जेक्ट, जो मेरा इम्प्रेशन है वो ये है कि दे आर मूविंग टुवर्ड्स कोर्सेज, लॉट्स ऑफ प्लेसेस ओवर देयर आफ्टर सीइंग द मेरिट्स ऑफ द यूएस सिस्टम दे आर चेंजिंग अ बिट. नॉट ऑल ऑफ देम हैव चेंज्ड एंड नॉट ऑल डिपार्टमेंट्स, नॉट ऑल प्रोग्राम्स, इवन डिफरेंट प्रोग्राम्स, डिफरेंट सब स्पेशलिटीज इन द सेम यूनिवर्सिटीज, दे हैव डिफरेंट सिस्टम्स. So it's not a standard. कि जैसे US में जाते हैं ना, एक standard है. आप quality में फर्क हो सकता है, rigor level में फर्क हो सकता है, मगर process same है. MIT में जाएं, आप Midwest में जाएं, you have to take courses, you have to take the qualifier, you have to teach. This is not standardized in UK. कुछ जगहों पे होते हैं, but in general नहीं होते. There's a different philosophy over there. The graduate students are treated very differently. They are not मोडी कॉडल के इनको हमने सिखाना है, उनके वी हैव टू टेक देम अंडर द विंग, व्हिच सम पीपल मे ऑब्जेक्ट के यार इनको बहुत ज्यादा जो है ना स्पून फीडिंग एक तरह से यूएस में होती है. क्योंकि यूएस में अगर आप देखें तो इवन एट लाइक वेरी गुड प्लेसेस, MIT, हार्वर्ड, द प्रोफेसर सपोर्ट द स्टूडेंट्स अ लॉट. दिस कल्चर इज नॉट टू दैट एक्सटेंट इन यूरोप, क्योंकि वहाँ पे स्पेशली इन यूके वहाँ पे ये चीज़ से सफर की जाती थी कि पीएचडी जो है दे ऑलरेडी वेरी इंडिपेंडेंट, दे सपोज टू बी इंडिपेंडेंट. आई थिंक इट्स अ डिफरेंस ऑफ कल्चर. अब अगर आप बायोग्राफीज पढ़ें डिफरेंट साइंटिस्ट की, यू विल रियलाइज के मोस्ट ऑफ देम व्हेन दे डिड गुड वर्क इन द पीएचडी दे हैड नो रिलेशन टू देयर एडवाइजर, ऑलमोस्ट नन. अगर आप सलाम के स्टूडेंट्स का पढ़ें, they have written ke we used to see Salam once in 6 months in bathroom probably, otherwise there was no connection. Aap inka ward ka padhe, he did this work and he disappeared somewhere in New Zealand. Unko padh ke laya ke ya PhD le lo, and usne koi 10 sabon ka thesis likha and they gave him PhD. So they someone said something about it ke in the UK you are supposed, the cool thing is to act like you are not doing anything, like it's you are so smart that you don't have to work hard, you don't have to do anything and you still get things out. While in US it's the opposite, you have to show that you are so busy in stuff. So I think this is a difference of culture. mera jo personal opinion hai ki जो कि मैंने ऑब्जर्वेशंस की बेस पे किया है कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली डेफिनेटली यूएस सिस्टम इज मच बेटर. क्योंकि अगर एक स्टूडेंट इटली का जा रहा है यूके में, इटली में आपको पता 5 साल की अंडर ग्रेजुएट होती है, उसमें वो ऐसा अगला लगता है कि अच्छे अच्छे ग्रेजुएट प्रोग्राम यूएस के उनसे ज़्यादा उनको आता होता है जब वो अंडर ग्रेजुएट से आते हैं. हमारा स्टूडेंट जब जाता है उसको कुछ नहीं आता होता, और वो अगर ऐसे सिस्टम में जाता है जहाँ पे उसको एक आधा कोर्स, और वो भी जो कोर्सेज हैं वो दे आर नॉट स्ट्रक्चर्ड इन द लाइक दैट सेंस के जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनसे करवाई जाएं या बहुत रिगरस एग्जाम्स लिए जाएं. ऐसे कोर्सेज मेरे नहीं ख्याल के यूरोप में यूजुअली ऑफर होते हैं. तो वो जब जाते हैं वहाँ तो वो दे गेट पास इजीली, और उनको वो चांस नहीं मिलता
जो सीखने का, जो कि मे बी एक यूरोपियन स्टूडेंट है जो उसकी पिछली ट्रेनिंग ऐसी है और उनका एक आउटलुक भी डिफरेंट है. क्योंकि आप ये भी देखें ना कि हमारे वहाँ पे जो अगर कोई ग्रेजुएट स्टडीज में जा रहा है, इट्स यूजुअली अ वेरी डिफरेंट पाथ दे आर टेकिंग फ्रॉम व्हाट इज नीडेड ऑफ देम. दे डोंट हैव टू गो टू ग्रेजुएट स्कूल जस्ट बिकॉज दे डिडंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू. दे आर प्रोबेबली सैक्रिफाइसिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. दे आर टेकिंग लाइक वन अ बिग लाइक 3-4 times pay cut to go to the graduate school. So if they are going coming to graduate school, they are completely dedicated. Hamare students ke liye wo itni ye nahi main keh raha ki interested nahi hote, interested hote bhi hain. So they haven't made that kind of sacrifice. It's already an upgrade when they go to Europe or US anywhere. So and if they don't, if they're not forced to do this, then many of them don't do it. That's what the experience tells. Not all of them, but many of them. Yeah, I think ये बात सही है क्योंकि मैंने देखा था कि for example PU में जब मैं MPhil में दाखिल हुआ था तो मैंने देखा था कि बहुत से लोग जो MPhil करने इसलिए आए हैं क्योंकि उनको जॉब नहीं मिली है अभी तक. वो कहते हैं अगर जॉब मिलेगी तो शायद हम छोड़ दें MPhil. तो ये बात सही है कि वो सेक्रीफाइस करके तो नहीं आए होते हैं इसमें. अच्छा, एक और चीज़ जिसके बारे में मैं अभी आपने एक बात ये कहा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो बेहतर सिस्टम है वो US का सिस्टम है. सो आपको ये लगता है कि जैसे कि आई थिंक ये अब इम्प्लीमेंट होने वाला है पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान में भी US का सिस्टम होना चाहिए कि बैचलर्स के बाद डायरेक्ट PhD हो? आई थिंक इम्प्लीमेंट होने वाला था, लेकिन जो मैंने लास्ट टाइम सुना है बिकॉज बनोरी जो है उनको वहाँ से निकाल दिया गया और ये आई थिंक दिस वाज ऑल डेवलप्ड अंडर हिम, तो आई थिंक इट हैज वो फिर स्टॉल हो गया. सो आई डोंट थिंक इट्स बी इम्प्लीमेंटेड. दिस इज व्हाट आई सस्पेक्ट. क्योंकि हमारे यहाँ ये भी है ना कि इंस्टीट्यूशन जो है दे डिपेंड अ लॉट ऑन द पर्सन ऑन टॉप. इफ द पर्सन चेंजेस द होल थिंग चेंजेस. लेकिन आपको लगता है कि होना चाहिए पाकिस्तान में US का सिस्टम? मेरे ख्याल में जाहिर है इफ आई सपोर्ट इट तो मेरे ख्याल में तो होना चाहिए. इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. आई सी. अच्छा, एक और चीज जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा वो भी आई थिंक एक काफी बड़ा कंट्रास्ट है यू नो. अच्छा, आई डोंट नो कि ये पूरा यूरोप के बारे में मैं कह सकता हूँ, लेकिन एटलीस्ट UK के बारे में तो मैं कह सकता हूँ ये कि ये बहुत बड़ा कंट्रास्ट है UK और US में. सो UK में मैंने देखा है कि ना जो हाइपर स्पेशलाइजेशन है ना वो बहुत जल्दी करवा दी जाती है. फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त है वो क्या कहते हैं उसकी ना उसका जो बैचलर्स है ना वो है स्वानजी से. ठीक है, तो अब वो कहता है उसका बैचलर्स पार्टिकल फिजिक्स में है. मैंने आज तक नहीं सुना कभी कि बैचलर्स पार्टिकल फिजिक्स में आपका. वो कहता है कि UK में बहुत जल्दी स्पेशलाइजेशन करवा दी जाती है, लेकिन US में मैंने देखा कि ऑप्शन जरा खोल के रखते हैं यू नो. तो आपको क्या लगता है कि ये जल्दी स्पेशलाइजेशन कर लेना इसके कोई फायदे होते हैं या नुकसान होता है इसका? मेरे ख्याल में तो नुकसान है. आई मीन कि आपकी तो बैचलर्स जो डिग्री है इट शुड नॉट इवन बी लाइक आपको पता है कि US में जो बैचलर्स डिग्री अगर आप फिजिक्स में कर रहे हैं तो योर फिजिक्स क्रेडिट्स वुड बी नॉट इवन टचिंग 50%. Usually not even 50%. So, ये I think मैंने US आप सही बता रहे हैं क्योंकि मैंने कुछ जो undergraduate UK के लोगों से बात की है जो वहाँ पढ़ रहे हैं. I realized that what they are studying is actually exactly what was taught to us in our BSc. वही चीज़ें, वही slinky approximation, extended चीज़ें जो हमें जहन में रट्टे लगा लगा के बैठी हुई थी ना, वो चीजें इनको वो हमारा सिस्टम एक्चुअली मिमिक्स द UK सिस्टम अ लॉट. और हमारे सिस्टम में भी यही था कि लाइक जब मैंने MSc की थी, MSc तो फोर्थ इट वाज लाइक व्हेन यू डिड MSc इन माय टाइम्स इट वाज लाइक 4 years फ्रॉम योर FSc. सो MSc जब आप करते दैट्स योर रियल बैचलर्स. तो इट वाज लाइक MSc पार्टिकल फिजिक्स स्पेशलाइजेशन थी उसमें. तो आई डोंट थिंक इट्स I mean, you can if it's just like putting something on your transcript, that you have taken these courses a little more, that is fine. But you should have a broad education. I don't know how they actually do it in practice in UK. But in Pakistan, I have seen that Pakistan has a rewaj, a jeep, chal pada ke har koi jo hai na, jo professor hai, wo jis cheez mein PhD karke hai na, wo us cheez mein ek bachelor's program shuru kar deta hai. के BSc यहाँ के तक के पोल्ट्री साइंस में भी BSc हो रही है. अब मुझे नहीं समझ में आ रही कि इसमें BSc का कैसे हो सकती है, उसका मंतक क्या है और क्यों हो रही है. तो लेकिन अगर आप फिजिक्स और मैथ्स तक महदूद रखें अपने आप को तो
तो बहुत सारे ऐसे हैं कि बीएससी इन दिस फिजिक्स इन दैट फिजिक्स, मैथमेटिक्स जो है इन्होंने प्योर अप्लाइड को तो इन्होंने बिल्कुल ही ब्रेकअप करवा दिया है. तो यहाँ तक कि आप ऐसी बातें सुनते हैं कि फिजिक्स के प्रोफेसर होंगे वो कहेंगे कि हमें क्वांटम मैकेनिक्स नहीं आती बिकॉज वी आर नॉट थियरिस्ट. तो ये इसी चीज का मेरे ख्याल में रिजल्ट है कि ये जो हाइपर स्पेशलाइजेशन को ये अच्छी चीज समझा जाता है ना. आई डोंट थिंक के दैट्स अ गुड आइडिया. एंड सम पीपल सेड के देयर वाज अ टाइम व्हेन पीपल कुड नो एवरीथिंग बट नाउ यू डोंट नीड टू. आई डोंट थिंक, आई डोंट एग्री विद इट. आई थिंक के अब तो ऐसा है कि जो लोग जिनको जिनकी ग्लोबल पर्सपेक्टिव है दे आर मोर इन डिमांड इन द मार्केट. दे कैन डू things which cannot be automated. So I don't think it's a good idea to go towards hyper specialization. Right, like hyper specialization at least aap ye to isse agree karenge ki hyper specialization jo hai wo agar aapne karni bhi hai to bahut early na karo aap career mein. Jis tarah main aapko bata raha hu ki uska bachelor thi particle aur usme bhi yaad aaya ki uska masters cosmology mein tha, yani ki physics bhi nahi bas cosmology mein masters tha uska. So is tarah ki cheeze UK mein. Acha aap jo baat kar rahe hain wo ek isme ye hai ki jaise maine aapko kaha na ki it also depends on your maybe your advisor, your style, or maybe it's my field, I don't know. Like मेरे एडवाइजर तो थे जो जो कि हमारी जो हम रिसर्च नहीं भी कर रहे थे. ही वाज लाइक के यू आर सपोज टू नो इट, व्हाट डू यू मीन यू डोंट नो इट, के इट वाजंट लाइक के यू जस्ट डू दिस, यू आर सपोज टू नो द फील्ड. नॉट दैट आई लर्नड इट बट दिस इज व्हाट हिज एक्सपेक्टेशन वाज. और बहुत से लोगों को मैंने देखा है लाइक एटलीस्ट जो मैंने अपने एडवाइजर ग्रुप में देखे ना मोस्टली मेनी ऑफ देम इटालियन, सम इंडियंस, सम इन यूएस, मोस्ट ऑफ देम इन यूरोप. You talk about anything, anything in the world in physics, even if they are not, you won't see a paper on their CV in that field. They would know about it. So, मैंने तो ये देखा है कि this is how the real professionals are. They know a lot about the subject. Right. इसमें अच्छा एक और बात जो भी आप कर रहे थे कि you know ऐसे physicists आप देखते हैं जो कहते हैं हमें quantum mechanics नहीं आती. I think ये तो काफी एक्सट्रीम हो गया वैसे. लेकिन आपको लगता है कि अभी पिछले पॉडकास्ट में डॉक्टर इमरान अनवर के साथ भी हम यही बात कर रहे थे कि कुछ लोग ऐसे हैं एटलीस्ट पाकिस्तान में तो मैंने देखे हैं लोग जो कि ना यू नो लिटरेरी सर्कल्स में, यानी कि लिटरेरी का मतलब जो कि लोग जानते हैं फील्ड के बारे में, उनमें बैठना नहीं चाहते हैं और डिस्कस नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता ये है कि वो अगर बात करेंगे तो वो एक्सपोज हो जाएंगे. तो वो हमेशा ये कहते हैं कि नहीं नहीं आपकी फील्ड जो है वो थोड़ी डिफरेंट है. अगर फॉर एग्जांपल वो किसी और फील्ड के लोगों में जाएंगे तो वो कहेंगे नहीं नहीं मेरी फील्ड जरा डिफरेंट है आपसे, तो मैं आपसे इसलिए बात नहीं कर सकता. तो आपको लगता है कि ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से वो कहते हैं कि नहीं हम तो बहुत स्पेशलाइज्ड हैं. मैंने पर्सनली वैसे फॉर्चुनेटली मैंने ऐसा नहीं देखा. मैंने तो यही फील किया है कि जिन लोगों को नहीं भी आता ना They kind of admit it. They admire those people who know many things. They sometimes say, "Yeah, हमें भी सीखना है, हमें भी सिखा दें." It's just unfortunate के system ऐसे setup है कि इस तरह की degrees इनको करवाई गई हैं और उनका कसूर नहीं है, faculty का कसूर नहीं है, इसी तरह की degrees करके आए हैं और फिर आगे उनकी professional demands भी यही हैं कि आप बस paper लिखें. और टीचिंग की क्या डिमांड है कि आपके जो वैल्यूएशन है वो हाई होनी चाहिए. तो वो वैल्यूएशन हाई करने के तो हजारों तरीके हैं उसमें. तो यू डोंट नीड टू नो सब्जेक्ट, यू डोंट नीड टू टीच न्यू सब्जेक्ट, यू डोंट नीड टू लर्न एनीथिंग. तो आई थिंक इट्स अ मिक्स्ड थिंग. आई डोंट नो हाउ मच फैकल्टी देमसेल्व्स आर टू ब्लेम बट सर्टेनली पीपल ऑन टॉप हु मेड दीज पॉलिसीज दे आर टू ब्लेम एंड दे आर नॉट लर्निंग. आई मीन 20 साल हो चुके हैं एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स को, they're not changing it. And the reason is obvious के people who are controlling, they are beneficiaries of this system. So they don't want to change it. Right. अच्छा इसमें एक और अभी आपने बात की ना तो ये से एक और बड़ी मजेदार बात निकलती है. वैसे मैंने एक और क्वेश्चन पूछना था लेकिन इस बात पे चलते हैं कि यू नो टीचिंग वैल्यूएशन जो है उनको बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं. सो आपको लगता है कि टीचिंग को इम्प्रूव करने का एक तरीका ये हो सकता है, हालांकि आई थिंक ये बहुत मुश्किल तरीका. मैंने लास्ट टाइम डॉक्टर उदबाई से भी पूछी थी ये बात और आई थिंक डॉक्टर तारिक नूर से भी पूछी थी. तो आपके पर्सपेक्टिव भी लेते हैं इस पे कि ऐसा होना चाहिए क्या कि जो प्रोफेसर्स की प्रमोशन है उसमें टीचिंग का भी हाथ होना चाहिए, सिर्फ रिसर्च पेपर्स का नहीं होना चाहिए हाथ? तो चाहिए, मगर इसमें आई थिंक टीचिंग का हाथ कैसे हो सकता है? टीचिंग का हाथ सिर्फ उस सूरत में हो सकता है कि अगर आप ये प्रमोशन प्रोसेस जो है इसको डिवॉल्व करें.
यूनिवर्सिटीज के पास इख्तियार हो, यूनिवर्सिटीज को पास ये हो, अगर वैसे अगर आप लिखा हुआ प्रोसेस देखें ना तो इन इन द सेंस इट इज देयर, मगर वो इतना एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम को कर दिया गया एटलीस्ट कल्चर को, एनी वन हु हैज अ सर्टेन नंबर ऑफ पेपर्स दे एक्सपेक्ट टू बी प्रमोटेड। बल्कि अब तो इतनी इन्फ्लेशन हो चुकी है कि दे से के यू हैव टू हैव 50 पेपर्स 60 पेपर्स, इतनी इन्फ्लेशन हो चुकी है कि इवन अब तो लोग कहते हैं यार 60 पेपर है तो क्या हुआ, ये तो हर दूसरे बंदे के 60 है। अगर आपने जो आपका एग्जैक्ट सवाल था कि अगर आपने टीचिंग को इंक्लूड करना है देन यू हैव टू डिवॉल्व, इट्स द यूनिवर्सिटीज डिसीजन, इट शुड बी यूनिवर्सिटीज डिसीजन कि हमारा डिपार्टमेंट जो है ये किस किस्म का डिपार्टमेंट है, इसकी क्या रिप्यूटेशन है, ये क्या साइंस करना चाहता है, ये इस कौन से स्टूडेंट्स उसने अट्रैक्ट करने हैं, और जब वो चीजें होंगी देन दे डिसाइड कि यार हमें अच्छी टीचिंग चाहिए या नहीं चाहिए, एंड देन दे डिसाइड ऑन दैट कि प्रमोट कैसे होना। राइट, फॉर एग्जांपल यानी कि अभी कह रहे हैं नहीं हो सकता सेंट्रलाइज, आप कैसे बताएंगे कि ये टीचर अच्छा है या नहीं है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने एक कमेंट इस पे भी करना था, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है अच्छे टीचर पे, इफ मे बी इफ यू आस्क आई विल से दैट के यूनिवर्सिटी लेवल पे अच्छा टीचर होता क्या है, एक बहुत बड़ी यहाँ गलत फहमी है कि अच्छा टीचर, मैंने बड़े बड़े जो है ना सीनियर लोगों से सुना है कि यार ये बंदा जो है ना ये अच्छा टीचर नहीं है, इसका नॉलेज बहुत है मगर ये अच्छा टीचर नहीं है। दिस इज लाइक आई वुड से कि एट यूनिवर्सिटी लेवल दिस इज शुड बी कम्प्लीटली अनथिंकेबल, इफ समवन इज वेरी गुड इन देयर फील्ड इफ दे हैव वास्ट नॉलेज he or she is the good teacher, kyunki university level pe it's not like ki aap school hai ki jisme aapne goal ke bulana hai ya unko motivate karna hai, I think ki hame acha jo teacher hai na usko is cheez pe nahi judge karna chahiye ki wo kitne zyada jo hai performer kaise hain, that should be completely out of the question, even ke you need people, अगर वो इतनी ज्यादा एफर्ट क्लास में नहीं करते बट दे नो द सब्जेक्ट इन एंड आउट, तो एक जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है उसको पता होना चाहिए कि मेरी यहाँ पे जॉब है टू गेट द नॉलेज आउट ऑफ दिस पर्सन, इफ आई आस्क द क्वेश्चन दिस गाय इज गोना आंसर मी, एंड दैट्स अ बिग रिसोर्स, नॉट एवरीवन कैन डू इट, इफ यू आस्क मी, इफ यू स्टार्ट आस्किंग मी क्वेश्चंस अबाउट स्ट्रिंग थ्योरी आई वोंट बी एबल टू आंसर द वे आमिर इज एबल टू, if you ask me deep questions about quantum field theory I won't be able to answer compared to for example if my advisor is sitting here, so if those people are in our universities it's a big resource, universities are supposed to be repositories of knowledge, aur acha teacher wo hai jiske apna scholarship apna knowledge badhaya hua, that's the main requirement, baki cheeze bahut secondary hai, theek hai, kuch aise hote hain ki jo ki performer bhi bahut acche hote hain unko aap usually dalte hain फर्स्ट ईयर की क्लासेस में, फर्स्ट ईयर की भी कौन सी क्लासेस में कि जो जरा फन क्लासेस होती हैं कि ठीक है इट्स गुड, जैसे MIT में थे जो वॉल्टर, हाँ ठीक है, इस तरह के लोग होते हैं एंड दे आर रिगार्डेड फॉर दैट, बट दैट्स नॉट द ओनली काइंड ऑफ पीपल, दिस इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर, दिस इज वन स्पेसिफिक टाइप ऑफ गुड टीचर, बट मोस्टली द गुड टीचर इज सपोज टू बी, आई वुड से इफ यू वॉन्ट टू बी वेरी एम्बिशियस ask for only two things, one is that they are knowledgeable and second is that they come prepared to class, come prepared mean they put some effort, they have a lecture prepared, they give some homework, if they are doing this then they are already doing much more than you can ask for. Hamare yahan ek acha teacher se ye samjha jata hai ki performer kaisa hai, samajh nahi aati is teacher, this should not mean anything in at university level ki iski samajh nahi aati, अगर उस बंदे को आता है then you should be able to get something out of that. Yeah, ये बात सही है क्योंकि ना अगर ये बात आपकी इस हद तक आती है एटलीस्ट मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो स्टूडेंट के जब कहते हैं ना कि समझ नहीं आती तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें सवाल पूछे बगैर ही सब कुछ समझ आ जाएगा, ये नहीं हो सकता, राइट? तो स्टूडेंट सवाल करते ही नहीं है, तो क्या ये बात आप कहना चाह रहे हैं या नहीं? Yeah, हाँ, इसमें ये है ना कि समझ नहीं आ रही के डिफरेंट है, एक ये है कि वो सवाल नहीं करते, they don't do their own work. मतलब ये कि एट यूनिवर्सिटी लेवल यू आर सपोज टू बी समवट इंडिपेंडेंट, आपने घर जाके काम करना है, आपने उसको खुद भी समझने की कोशिश करनी है, उसमें जो आपको नहीं समझ में आएगी देन टीचर इज देयर टू हेल्प यू. और एक और भी चीज़ है ना कि समझ नहीं आ रही कि ये भी मतलब होता है कि दे टीचिंग अस डिफिकल्ट थिंग्स, सो
if you then it's a choice ke you want quality or you don't. अच्छा इसमें एक और बात है जो कि आई थिंक मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि अब हम जिस पर्टिकुलर यू नो एरा में रह रहे हैं वहां पे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक जो टीचर है आपकी यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जांपल वो आपको सब कुछ बताएगा. ऐसा हो सकता है कि यू नो अब फॉर एग्जांपल हम इंटरनेट के जमाने में रह रहे हैं तो यू नो अगर आपने 100% सीखना है तो ऑब्वियसली आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि टीचर आपको 80% सिखा देगा या फिर उससे भी ज्यादा सिखाएगा, राइट? सो आपको ये लगता है कि ये स्टूडेंट्स को फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा है कि रेयरली मैंने देखा है अभी के यू नो हमारे जो फिजिक्स डिपार्टमेंट्स में पाकिस्तान में स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्जाम्पल अंडर ग्रेजुएट में या मास्टर्स लेवल पे उनको रेयरली कभी किसी इंटरनेट में फिजिक्स फोरम का पता होता है फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स टैक एक्सचेंज वगैरह का. तो वो इस तरह के फोरम्स पे कभी जाते ही नहीं और वो अभी भी इस जमाने में भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तो ये यूनिवर्सिटी का जो टीचर है वही हमें सब कुछ बताएगा. तो आपको लगता है कि ये एटीट्यूड थोड़ा शिफ्ट करने की जरूरत है स्टूडेंट्स को कि वो इन रिसोर्सेज पे रिलाई करना शुरू करें? दिस इज ऑल कम्स डाउन टू द यूनिवर्सिटी कल्चर. तो आई वुड से कि टीचर का जो काम है ना एक बहुत बड़ा वो ये नहीं है कि उनको हर चीज सिखा दें, ठीक है, क्योंकि चीजें तो पढ़ी हैं बुक्स में ही पढ़ी हैं. उनको एक रोल मॉडल का दिखाना कि एक फिजिसिस्ट होता कैसा, दे शुड सी दिस, ये मेन रोल होता है. तो अगर वो देखेंगे कि हमारे टीचर्स जो हैं दे टॉक अबाउट आर्काइव, दे टॉक अबाउट स्टॉक एक्सचेंज, स्टैक एक्सचेंज, ये सब चीजों के बारे में, दे विल लर्न इट and then they will also start doing it. agar ye culture university mein maujood hi nahi hai to then it becomes like one off ki kisi ne discover kar liya, kisi ka andar bahut zyada passion tha to usne kar liya, but otherwise nahi. ab jaise I would say ki like jaise aap hain, I don't know how many from Punjab University have like gone to this level of learning. a lot of people from lumps came out. uski wajah kya thi कि जब वो फर्स्ट ईयर में आते थे, फर्स्ट ईयर में उनका पाला पड़ता था आम ऐसे दो सेमेस्टर तकरीबन सब जितने स्टूडेंट ये जितने थे ना हमारे स्टूडेंट जो निकले हैं इन सब का फर्स्ट दो ये जो है दो सेमेस्टर जो है वो उनको आम ने पढ़ाए हैं. सो दे उनकी स्टार्ट ही उनको ना एक जो एक रोल मॉडल मिलता है ना कि दिस इज हाउ फिजिक्स इज सपोज टू बी डन. और फिर जब वो डिपार्टमेंट में होते थे इंटरेक्शन होता था उनका दे यूज टू नो कि अगर वहाँ डिपार्टमेंट में फिजिक्स की बातें हो रही हैं बोर्ड पे कोई खड़ा होकर कोई काम कर रहा है कुछ उनको काम दिया जा रहा है कोई न्यूज़ फिजिक्स की आई वो शेयर हो रही है तो देन इट बिकम्स अ काइंड ऑफ अ कल्चर कि जिसमें आपको पता चलता है कि फिजिक्स जो है ये सिर्फ हमारी टेक्स्ट बुक या कोर्स आउटलाइन में नहीं होती. और ये चीज़ मैंने एक और भी देखी है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में अक्सर ये कहा जाता है स्टूडेंट्स की तरफ से कि सर मैंने ये सीखना है इसमें कोर्स पढ़ा दें, विच इज़ काइंड ऑफ लाइक strains ke I mean it's not only the course through which you learn. main to ye kehta hu ke only 50% of learning at undergraduate level is done in courses kyunki maine jo dekhe hai mere students ye azim wagera madrasa wagera jo unhone kiya I know what they had done during their undergraduates only 50% was imparted was in lectures or anything otherwise they were suggested things they discovered things ke humne ye karna hai humne ye learn karna they used to do it during their summers during their course projects apart from that वैसे भी करते रहते थे ये. तो उसमें टीचर का काम ये है कि टीचर इज अवेलेबल. अगर स्टूडेंट पूछता है कि सर ये मैं कहाँ से पढ़ूँ इसके मतलब आपको कुछ पता है तो वो उनको बताए और वो क्लास से बाहर भी अवेलेबल हो. अब हमारे यहाँ जो टीचिंग एवेल्युएशन का कॉन्सेप्ट है उसमें ये चीजें तो काउंट ही नहीं होती. जो ये काम करेगा दैट पर्सन इज वेस्टिंग देयर टाइम, दे आर लिटरली हर्टिंग देयर कैरियर क्योंकि इट डजंट कम इनटू देयर टीचिंग एवैल्यूएशन एंड इट डजंट गो इनटू देयर रिसर्च, नथिंग लाइक दैट. बट इन अ प्रॉपर यूनिवर्सिटी दिस इज कंसीडर्ड टू बी सम अ पार्ट ऑफ योर जॉब. दिस इज व्हाई यू आर देयर बिकॉज यू लव फिजिक्स, यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट, यू वॉन्ट टू डिस्कस इट. लेकिन ये हमारी यूनिवर्सिटीज में ये कल्चर बहुत कम है. इवन कि मैंने एडमिनिस्ट्रेटर्स को दूसरे टीचर्स को देखा है कि दे आल्सो फील लाइक कि हमने ये पढ़ाना है तो हमें ये सब कोर्सेज देने पड़ेंगे एंड दे सो मच फोकस्ड ऑन दीज कोर्सेज एज इफ के यूनिवर्सिटी इज नॉट अ कम्युनिटी बिकॉज यूनिवर्सिटी इज सपोज टू बी अ कम्युनिटी ऑफ लर्निंग जहाँ पे स्टूडेंट्स और टीचर्स इकट्ठे होते हैं दे वॉन्ट टू लर्न अबाउट थिंग्स. इट्स नॉट a place where you get a transcript aur transcript pe jo jo nazar aa raha hai aapko bas
वही आता है। लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत ज्यादा ये कल्चर बन चुका है कि आपका एज अ टीचर काम सिर्फ यही है कि आपने कोर्स पढ़ाना है, और एज अ यूनिवर्सिटी आपका काम यही है कि आपने सर्टेन नंबर ऑफ कोर्सेज दे के डिग्री देनी है। अच्छा, इसमें ना मुझे तो ख्याल समझ आ रही है कि आप क्या कह रही हैं और आप यू नो क्या कहना चाह रही हैं, लेकिन किसी देखने वाले को शायद मिसकंसेप्शन हो जाए, तो मैं चाहूंगा कि आप ये मिसकंसेप्शन जरा दूर कर दें। थोड़ी देर पहले आप जब हम बात कर रहे थे US और UK के सिस्टम्स की, तो आप इनकरेज कर रहे थे कोर्सेज लेने को, और वैसा लग रहा है कि आप डिस्करेज कर रहे हैं, तो थोड़ी डिस्क्रिपेंसी लग रही है। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि कोर्सेज के अलावा भी बहुत कुछ होता है। कोर्सेज even when you give courses, because this is not, the field is so big, so vast, even if you take courses, so it still only can be only 50%. The students okay. have to be completely dedicated, same as teachers. राइट right. अब ये क्या कहते हैं, ये अच्छा ये बात जो है ना, ये अगर आप, मैं ये कहना चाहूंगा और कोर्सेज जो है ना, मैं एक और चीज कहते हैं, कोर्सेज being a structure, but they're not end and all of it. जैसे मैंने बताया ना कि even के लाइक अगर आप MIT हार्वर्ड में देखें, हमारे यहाँ तो फिर भी ये है कि लाइक जैसे मैं पढ़ाता था या हमें पढ़ाते थे, हम तो एक बहुत ज्यादा नोट्स तैयार करके लाइक ये कैलकुलेशन जो है बोर्ड पे हो रही है। इफ यू गो टू दिस प्लेसेस दे डोंट डू इट, द प्रोफेसर्स डोंट डू इट, बट देयर इज अ कम्युनिटी देयर ऑफ स्टूडेंट्स के जब उनको असाइनमेंट आती है, तो कोर्स प्रोवाइड्स देम अ स्ट्रक्चर कि ये जो है चीजें प्रॉब्लम्स आपने करनी है, क्योंकि ये आप नहीं करेंगे तो यू आर नॉट डूइंग व्हाट कोर्स इज रिक्वायरिंग from you to do. So it brings the structure, but agar kaam wo bahar corridors mein ho raha hota hai, wo libraries mein ho raha hota hai, wo rooms mein ho raha hota hai, wo sirf class mein nahi ho raha hota. That's what I'm saying. Right. अच्छा, ये इसमें एक क्या कहते हैं, मैं बात करना चाहूंगा कि यू नो ये बात अगर कोई अभी स्टूडेंट ना सीखे तो बाद में वो खुद ही अपने एक्सपीरियंस से आई थिंक इसको सीख जाएगा वो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये बात मुझे पहले लगता था कि यू नो मुझे पता नहीं कौन कौन से कोर्सेज लेने की जरूरत है, लेकिन बाद में फिर मैंने देखा कि यू नो फॉर एग्जाम्पल QFT के ऊपर मैंने कोर्स लिया है या एक दो, लेकिन उसके बाद जब स्ट्रिंग्स के लिए सुपर सिमेट्री पढ़ने की जरूरत थी और CFTs पढ़ने की जरूरत थी, मैंने आज तक कोई कोर्स नहीं लिया CFTs पे ना ही सुपर सिमेट्री पे, तो ये आप सबको खुद ही पढ़ने पड़ते हैं या फिर टीचर से डिस्कस करके। सो एटलीस्ट मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि आप जो बात कह रहे हैं वो 100% ठीक है, क्योंकि कोर्सेज के अलावा भी आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। अच्छा, एक चीज जो कि आई थिंक कुछ हद तक रिलेटेड है इससे जो कि हम बात कर रहे हैं, तो मैं इसको लेके आता हूँ इसमें, कि जो हम कोर्सेज में पढ़ा रहे होते हैं, राइट, अगर आप सपोज करो कि आप एक ना ओके आप एमफिल स्टूडेंट भी ले आओ, अंडर ग्रेजुएट को तो छोड़ देते हैं अभी, अगर आप एक एमफिल स्टूडेंट को भी ले आओ ना, एक एवरेज पाकिस्तानी, आई थिंक कुछ हद तक किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कोर्सेज ले रहा है अभी, और उसको ना कोई रिसर्च पेपर दे दो उसकी फील्ड के अंदर, तो रिसर्च में और कोर्सेज में गैप बहुत ज्यादा होता है, और कई स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि हम गैप कैसे फिल करें। आई थिंक यहाँ पे ये वाली बात आती है कि यू नो आपको पता होना चाहिए कि यू नो आपने क्या क्या चीजें पढ़नी है इससे पहले कि आप रिसर्च कर सको, राइट। तो इसके अलावा आपको लगता है कि टीचर्स कुछ और भी कर सकते हैं, ये क्या कहते हैं, स्टूडेंट कुछ और कर सकते हैं ये रिसर्च गैप को जल्दी फिल करने के लिए? उसका मेरे ख्याल में तो तरीका ये जो मैंने जो अडॉप्ट किया था वो यही था कि आई वुड सजेस्ट टू स्टूडेंट्स, like for example I had many students who were interested in many different things, and I mean I didn't have research problems in those fields, and even if I had research problems, students can't do that. I mean even at PhD level it becomes very very hard to solve a research problem, you have to be part of a group. An undergraduate student cannot do it, even an MPhil student sitting in Pakistan cannot do it if it's a serious problem. So mera ye process tha ki main koi jo फील्ड है जो हॉट है जो जिसमें स्टूडेंट इंटरेस्टेड है उसका कोई बहुत इम्पोर्टेंट पेपर लेके उनको ये कहता था कि आप इसको जो है ना समराइज करें, या फिर एक दो पेपर लेके एक फील्ड लेके एक टॉपिक देके कि आप इसको समराइज करें, इसके ऊपर रिपोर्ट लिखें, एंड आई फाउंड के दिस इज द ओनली थिंग दे कैन डू टू ब्रिज दैट गैप सो दैट व्हेन दे गो फॉर द PhD दे विल बी वेल प्रिपेयर्ड. Because the problem is ke like especially theoretical physics, it has advanced so much that you need a lot of preparation to get to research problems and attack research problems. And a student on their own, most of the students, they can't do it unless they are part of a well-functioning group, so which becomes very hard in Pakistan.
फॉर एग्जांपल अगर आप हमारी फील्ड में देखें, तो अगर आप रोज जो आप देखते हैं कि जो रोज आर्काइव के पेपर्स आ रहे होते हैं और जर्नल्स के पेपर्स आ रहे होते हैं, कई दफा उनके टाइटल्स में ऐसे ऐसे टर्म्स होती हैं कि वो टर्म समझने के लिए आपको मैथमेटिक्स की एक पूरी ब्रांच समझनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जाम्पल एक दफा मुझे पता लगा था कि कई दफा बल्कि ये जो टर्म्स है ना, इनके लिए मुझे पहले अल्जेब्रिक ज्योमेट्री जाके पढ़नी पड़ेगी, फिर मुझे समझ आएगी कि ओके ये टर्म का मतलब क्या है। तो ये आप सही कह रहे हैं कि एडवांस बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो आप प्रिपरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा, इसमें एक और चीज है जो कि मैं काफी टाइम से इसके बारे में सोचता रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इसके बारे में, वो टीचिंग के हवाले से है कि एक कोर्स कैसे टीच किया जाए। सो, इसमें ना मैंने देखा है कि ना एक स्टूडेंट्स की ना एटलीस्ट दो टाइप्स होती हैं, एटलीस्ट हो इससे भी ज्यादा हो सकती है मुझे पता नहीं। फिर सो, एक वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ना एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ना समझना चाहते हैं इस तरह से जिस तरह वो हिस्टोरिकली डेवलप हुआ, और एक वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं नहीं, जो लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए ना, जिस तरह से आपको पढ़ाना चाहिए ये सब्जेक्ट, आप उस तरह पढ़ाओ। फॉर एग्जांपल अगर आप साकुराई की बुक देखो क्वांटम मैकेनिक्स पे, तो उसकी अप्रोच मुझे बहुत पसंद है कि वो स्टार्ट ही ब्रैकेट नोटेशन से करता है। हालांकि हिस्टोरिकली तो पहले वेव वेव मैकेनिक्स आई थी, उसके बाद ब्रैकेट नोटेशन डिराक ने डेवलप की थी। तो आपको क्या लगता है कि अब इस तरह के दो तरह के स्टूडेंट्स की एग्जिस्टेंस में हमें किस तरह की अप्रोच लेनी चाहिए अगर हमने कोई टीच करना हो सब्जेक्ट, कि या हिस्टोरिकल अप्रोच लें या फिर लॉजिकल या फिर मिक्स करें, लेकिन फिर कितना मिक्स करेंगे ये भी है एक क्वेश्चन। More than student, it depends on the teacher because every teacher has different approach. So you have to have different kind of people in your department and every one of them should be valued. Some will bring one aspect, some will bring another. Like मेरा जो स्टाइल है ना किसी भी कोर्स को पढ़ाने का या किसी भी चीज को डेवलप करने का, I start from physical arguments and connect them to mathematics. Amir, the way I have seen him teaching, he starts from mathematical formulation and then just goes to physics. But his focus is on this is what the theory is, this is what mathematical formulation is, and that's it. Don't question me where it came from. I go from the physical side. Then, as you said, some people need even more, or some courses need even more. So, like personally, if you ask me, I have taught different kind of courses. Some courses which are very technical, but then I also wanted to teach courses where you inspire people. So, for example, I developed this course on modern physics, which was essentially jo second semester ke students hain unko quantum mechanics padha rahe hain, and usually the way modern physics is taught is you give them very wrong impressions about quantum mechanics, some haphazard facts. So I tried giving them an honest to God explanation of what quantum mechanics is. It was very hard for them, but in the end, I think many of them, a lot of them, were very, very happy that they learned something very new. तो अब उस इस किस्म का जो कोर्स है, दिस रिक्वायर्स समथिंग वेरी डिफरेंट बिकॉज दे डोंट हैव द मैथमेटिकल मशीनरी, सो यू हैव टू ब्रिंग समथिंग एल्स, सो यू हैव टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ फिजिकल आर्गुमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स एंड हिस्ट्री टू डेवलप वेयर यू गोइंग। सिमिलरली आई डेवलप दिस कोर्स ऑन एस्ट्रोनॉमी, इट इज डिवाइड ऑफ मैथ्स कम्प्लीटली, एंड हियर आई थॉट के वन शुड हैव अ कन्वर्सेशन विद पीपल हु आर नॉट फिजिसिस्ट about what we do. So usme a lot of history goes into it, ke why we do physics, what physics is about, a lot of philosophy goes into it. So I would say ke it depends on the demand of the course. You can have different kind of courses, and if you have an education which is broad based, which is not very specialized, then there is room for all these courses. Because if you have chemist who wants to take physics, if you have a historian who wants to take physics, if your university allows this, which happens in like a US style of education where the courses are offered to everyone, there are all kinds of courses available because you are expected as a physicist, you are expected to take courses from social science, and social scientists are expected to take courses from science and economics and whatnot. So then you have these all kinds of things are available. As a student, like you can ask, hey, why are we doing physics? There are different reasons, and they're not usually mutually exclusive. They can exist one at the same time. Okay, like for example, I like to do physics ki calculations. It gives you satisfaction. But also you like the bigger picture.
के व्हाट यू आर डिस्कसिंग अबाउट द नेचर ऑफ द रियलिटी. तो व्हिच इज नॉट जस्ट बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, दैट गोस अ लिटिल बिट मोर देन दैट. सो समटाइम्स यू वांट टू डिस्कस दैट टू. तो यू वुड वांट के कोई कोर्सेज ऐसे भी हों. तो ऑल ऑफ दिस आई थिंक शुड बी अवेलेबल टू स्टूडेंट्स आइडियली. अच्छा, इसमें एक आपने बात की कि आपने एक एस्ट्रोनॉमी का कोर्स डेवलप किया है जो कि व्हिच इज कंप्लीटली डिवाइड ऑफ मैथमेटिक्स, राइट? सो आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल इस तरह के रिजर्वेशन मेरे पॉपुलर साइंस पे कई दफा रहते हैं, कि आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि इस ये कोर्स अगर कोई स्टूडेंट ले जिसमें मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं है और उसको ये फील करनी शुरू हो जाए कि अब मुझे एस्ट्रोनॉमी समझ आ गई बिल्कुल सारी के सारी, हालांकि इसने मैथ्स बिल्कुल भी नहीं की है, राइट? और फिर जाके ऐसे मैंने देखा कई सारे लोग जो पॉपुलर साइंस से चीजें पढ़ते हैं और फिर जाके उनको समझ लगते हैं कि हमें यू नो इस फील्ड की कम्प्लीटली समझ आ गई है, फिर वो अपनी थियोरीज बनानी शुरू कर देते हैं, राइट? इस तरह के फिर यू नो इट डिपेंड्स कि आपने कोर्स कैसा पढ़ा है, उसमें आपने क्या पढ़ाया, आपने उनको मैसेज क्या दिया. तो वही जो बात है ना कि अगर आपने शब्दाबाजी की है जिसमें कहते हैं परफॉर्मेंस, अगर आपका वो जो है आपका एंड गोल है, then obviously they can get out with this idea. I teach it very carefully ke hamare objectives kya hai, what we can achieve aur message kya ja raha hai. To usme clear hota hai ke we are in this course we are learning ke scientific method hai kya aur how it is historically developed, how why we believe in it and what we know. And it is again and again given this message ke a lot of effort has gone into this thing. So for example, like आप पॉपुलर फिजिक्स की बुक अगर आपने पढ़नी है, आप काकू की पढ़ लें, आप वाइनबर्ग की पढ़ लें, जमीन और आसमान का फर्क है. एक में आपको लगेगा कि फिजिक्स इज अबाउट सम काइंड ऑफ अ मैजिक और पता नहीं क्या क्या. दूसरी में आपको पता चलेगा कि ये हाउ सीरियस ऑफ अ सब्जेक्ट इट इज. तो नॉट ऑल इंटरेक्शन विद नॉन स्पेशलिस्ट इज ऑफ सेम टाइप. So I am big, जो आपने आपने जिस चीज का आपने खदशा का जाहिर किया ना, I am actually very sensitive about it. मैं तो यहाँ तक के हूँ कि मैं तो अगर कोई इस किस्म की पॉपुलर बातें कर रहा हूँ, I don't even engage. मुझे लगता है कि यार they already lost cause, तो इनको समझाने की जरूरत भी नहीं है. क्योंकि इस तरह के केसेस पाकिस्तान में भी कुछ हद तक है, लेकिन यूएस में भी हैं. फॉर एग्जांपल आपको शायद याद होगा कि यू नो ये जब एक यू नो एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट आया था सोलर सिस्टम के अंदर कुछ टाइम पहले, जिसका नाम था उमुओमुओ नाम था उसका. तो उसमें एक साहब थे जो कि जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की हुई थी आई थिंक, और वो कह रहे थे कि ये क्लेम कर रहे थे कि ये एलियंस हैं, और उन्होंने वो कह रहे थे कि मैंने फिजिक्स पढ़ी हुई है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, और एट द एंड इट टर्न्ड आउट कि उन्होंने एक कोर्स लिया हुआ था ये माइनर में, राइट? सो ये बड़ा मसला है, राइट? तो कि वो प्रॉब्लम ये कि आई मीन इट्स अ फ्री वर्ल्ड, देयर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल हु हैव डिफरेंट इंटरेस्ट, दे वांट टू से थिंग्स, नो वन कैन स्टॉप, एंड आई डोंट फाइंड इट अ प्रॉब्लम एट ऑल. जैसे मैंने बाजू में देखा कि परवेज बड़े जज्बाती हो जाते हैं. Like, I don't care, अगर आगा वकार कहता है मैं पानी से गाड़ी चलाता हूँ, you'll fail. कुछ लोगों से पैसे कुछ बना लेता है, I don't care. I mean, there are lots of people making money out of other people. जो असल प्रॉब्लम है ना मुझे पाकिस्तान में, वो ये है कि when like university students take them seriously, university students think के physics is about this kind of talk shop. तो आगा वकार को तो scientists ने serious ले लिया था. हाँ वो तो शो कर रहा है ना कि वो एक और प्रॉब्लम शो कर रहा है. वो ये प्रॉब्लम शो कर रहा है कि हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो किस हद तक टेक्निकली डेफिशिएंट है. वो ये प्रॉब्लम शो कर रहा है. अगर वो कारण ऐसे चार्लेटन्स तो हर जगह आते रहते हैं. ये तो मतलब कि प्रॉब्लम तो ये पॉइंट आउट हुई कि हमारे साइंटिस्ट कितने टेक्निकली डेफिशिएंट हैं. इसी तरह मैंने ये देखा कि जो हमारे फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, वो जब इस किस्म की जो बातें हैं उनमें ज्यादा अपना टाइम लगाते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं बनिस्बत के लर्निंग द सब्जेक्ट. दैट लाइक इज अ बैड साइन. इसमें मैं कह रहा था कि इसमें एक और बात है जो कि मैं लाना चाहता हूँ यहाँ पे, और वो भी काफी हद तक ना यू नो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके बिहेवियर से रिलेटेड है. सो यू नो ये अच्छा ये बात जो है ना, ये अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स में ही है तो आई थिंक ये थोड़ा गलत होगा. ये कई हद तक इंडिया के स्टूडेंट्स में भी मैंने देखी है और बांग्लादेश के स्टूडेंट्स में भी, लेकिन बांग्लादेश के स्टूडेंट्स से ज़्यादा बात नहीं होती, लेकिन इंडिया के स्टूडेंट्स में तो ये बहुत है. और वो ये है कि यू नो दे फील कूल अगर उनको ना साइंटिस्ट्स के नाम बताऊँ. फॉर एग्जाम्पल
हमारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो मुझे फाइनमैन बड़ा पसंद है, और मुझे हॉकिंग बड़ा पसंद है, और मुझे यू नो फाइनबर्ग तो मेरा फेवरेट है, लेकिन उन्होंने एक काम कभी उनका उठा के पढ़ा नहीं होता राइट आपको क्या लगता है कि ये क्यों है? ये उनको खुद नहीं पता ये बात कि अगर उनको उनके फेवरेट साइंटिस्ट हैं ये, तो उनके कभी काम भी पढ़ लो उठा के, वो ये हमारे स्टूडेंट्स नहीं करते, लेकिन उनको ये बड़ा पसंद है कहना कि ओ मुझे तो ब्रिटेन बड़ा पसंद है, मुझे तो ये बड़ा पसंद है, लेकिन वो बड़ा पसंद है, लेकिन उठा के कभी कोई काम नहीं पड़ेंगे उनका। तो आपको क्या लगता है कि ये क्यों है, कैसे कर लेते हैं स्टूडेंट्स? पहली बात ये कि मैंने ऐसे इंडियंस नहीं देखे, आपने शायद देखे हो, कहीं मेरा रास्ता नहीं पड़ा, लेकिन ये मेरे ख्याल में ये इसकी वजह साफ जाहिर है कि आई मीन इट्स इजियर टू जस्ट टॉक अबाउट समथिंग इंस्टेड ऑफ डूइंग इट, और यही वजह हो सकती है। और मतलब एक जो कल्चर, अगेन बॉयल्स डाउन टू कल्चर, के आप जब ये बातें करके अगर आप खुश हो सकते हैं, यू कैन गेट ओ जीपीए, देन व्हाई नॉट। हाँ नहीं, ये बात आप सही कह रहे हैं कि अगर हम उन इंडियंस की बात करें जिससे हम इंस्टीट्यूट्स वगैरह में मिलते हैं, तो वो तो क्रीम होती है, तो वो नहीं करते ऐसा, लेकिन अगर आप बहुत ग्रास रूट्स पे देखें जिनसे फेसबुक पे बात होती रहती है कई इंडियंस से, तो वो करते हैं, वो करते हैं ऐसे बहुत सारे इंडियंस, राइट? तो ये मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है बात, कि यू नो आप ये एक तरफ ये कह रहे हो कि ये साइंटिस्ट आपके बहुत फेवरेट है, लेकिन कभी एक काम उठा गया पढ़ लो उनका, उन्होंने किया क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कई लोगों से पूछूं, अच्छा ब्रिटेन ने बताओ क्या किया, ब्रिटेन को फील्ड मेडल क्यों मिला है, उनको ये भी नहीं पता होता, राइट? लेकिन उनको ये पता है कि ब्रिटेन को बहुत पसंद है, और इसके अलावा वाइनबर्ग, अच्छा कई लोगों को वाइनबर्ग का भी शायद कई दफा नहीं पता होता कि इलेक्ट्रोविक यूनिफिकेशन की वजह से उसको नोबेल प्राइज मिला था, लेकिन वाइनबर्ग का नाम बस उनको पता है, राइट? तो ये बहुत डिस्टर्ब करती है चीज मुझे, राइट? तो आपके ख्याल में बस ये इसलिए है क्योंकि ये आसान है, और कोई रीजन नहीं है इसका। तो ये इसका एक ताल्लुक उससे भी है, वो जो आपने कहा ना खास किस्म की पॉपुलर फिजिक्स की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में, वो भी किसी वजह से है कि मे बी शायद कि आसान है, कि यू जस्ट टॉक अबाउट दीज नेम्स। ये तो चलें, फिर भी आपने बड़े टेक्निकल किस्म के नेम ले दिए, बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जो कि बस आइंस्टाइन और डिराक इनके नामों के ऊपर भी काफी गुजारा कर रहे हैं और अपनी दुकान चला रहे हैं, राइट? अच्छा मैंने देखा है कई लोग तो निकोला टेस्ला को पता नहीं क्या बना के बैठे होते हैं कि निकोला टेस्ला तो सबसे बड़ा जीनियस है आज तक का, यार आई मीन बहुत ओवररेटेड आई थिंक निकोला टेस्ला काफी। मतलब ये चीजें मुझे इतनी बॉदर नहीं करती, क्योंकि आई मीन इट्स जस्ट फन फॉर सम पीपल, लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। बॉदर सिर्फ तब करती है कि अगर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो अच्छे हमारे इंस्टीट्यूट में है, पंजाब यूनिवर्सिटी में, नास्क में, अगर वो इन चीजों को वाकई समझना शुरू करते हैं, तो देन इट शोज कि देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस इंस्टीट्यूशन and we are not producing good graduates. अच्छा सर एक और मैं क्वेश्चन, और आई थिंक शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये इससे बहुत ज्यादा हम रैबिट होल में जा सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि ना जाएं। तो एक क्वेश्चन ये है कि यू नो अगर हम ये जो एक वो है क्या कहते हैं मैट्रिक जिसका नाम है इम्पैक्ट फैक्टर, तो ये ओरिजिनली जर्नल्स को एक तरह से आप कह सकते हैं कि रेट करने के तौर पे आया था, लेकिन अब ये हो गया है कि ये इम्पैक्ट फैक्टर जो है ये पेपर्स को रेट करने के तौर पे यूज होता है, राइट? फॉर एग्जांपल अगर एक जर्नल है उसका इंपैक्ट फैक्टर 3.7 है, तो उसमें जो भी पेपर पब्लिश हो गया तो उसका इंपैक्ट फैक्टर 3.7 है, तो एज सून एज इट इज पब्लिश्ड वो ये कह रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट ये होगा, हालांकि उसका अभी कोई इम्पैक्ट हुआ भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये इम्पैक्ट फैक्टर को पेपर्स को यूज करना पेपर्स को रेट करने के लिए, क्या ये गलत है या ये सही है? मेरे ख्याल में तो आप इसको पेपर के लिए करें, जर्नल के लिए करें, आप साइटेशन ले आए, कुछ भी ले आए, अगर तो आपका मकसद है ना किसी क्राइटेरिया को गेम करना, यू कैन ऑलवेज डू इट एंड पीपल आर डूइंग इट। मतलब कि जिन लोगों के अभी आपको पता है कि पाकिस्तान में नाम आए हैं इन वेरियस एकेडमिक मेल प्रैक्टिस, उनका आप किसी भी आप इम्पैक्ट वो जो है ना मीट्रिक के ऊपर एनालिसिस कर लें, साइटेशन उन लोगों की रिटर्न से भी ज़्यादा हैं, उनकी पर्सनल साइटेशन, तो दीज थिंग्स कैन ऑलवेज बी गेम्ड। तो ये मेरे ख्याल में तो ये क्राइटेरिया होना ही नहीं चाहिए, आपका क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि अगर आप क्लेम करें कि आप रिसर्चर हैं तो आपने क्या फाइंड क्या किया आपने। इट्स आई मीन जब तक मैं यूएस में था और जब तक मैं अपने यूएस कोलीग से बातें करता हूँ, तो नो वन इवन टॉक्स अबाउट के इम्पैक्ट फैक्टर, शायद वहाँ पे मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था कि ये एग्जिस्ट, नो वन से इसके मतलब कि ये बात आ जाती है। अब इसमें ये है कि जैसे किसी ने मुझे कहा कि नहीं अगर किसी का 1000 साइटेशंस ना हो या साल के 3 पेपर ना लिखा हो तो उसको यूएस में भी जॉब नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, लेकिन इशू ये है कि वहाँ पे ये ऑर्गेनिकली ये चीज डेवलप हो रही है। एवरीवन इज ट्राइंग टू डू गुड वर्क, एवरीवन इज ट्राइंग टू फाइंड गुड रिजल्ट्स। अब जाहिर बात है कि
अगर आप एक कम्युनिटी इकट्ठी करें 100 लोगों की विच आर ट्राइंग टू डू गुड वर्क, ट्राइंग टू फाइंड ग्रेट रिजल्ट्स, अब इसमें जिस बंदे का लक होगी या स्मार्ट होगा ज्यादा, हु विल फाइंड बेटर रिजल्ट्स, गुड वर्क, विल डू मोर गुड वर्क, ऑब्वियसली उनके पीपल विल बी पेइंग अटेंशन, देन दे विल गेट साइटेशंस, दे विल गेट हाईली साइटेड, और ऑर्गेनिकली फिर ऐसे बंदे को लोग कहेंगे यार इसने बड़ा अच्छा रिजल्ट फाइंड किया, ऑर्गेनिकली उनकी साइटेशंस ज्यादा होंगी। तो अगर आपने एक कर्सरी एनालिसिस करना है कि आपके पास 5-6 एप्लीकेशन आई हैं, आपको पता है कि सारे जो है अच्छे लोग हैं, दे आर ट्राइंग टू डू गुड वर्क, अब फर्स्ट एनालिसिस कुड बी कि यार वाकई इस बंदे की कितनी साइटेशन है और कितने पेपर जो है इसको, मतलब एक उसके सीवी में है कि 5-6 पेपर हैं जिनकी 100 से ऊपर साइटेशन गई हैं, इसका मतलब कि 5-6 उसने अच्छे काम किए हैं। लेकिन अगर आप इसको ये देखें कि आप एक और सेट लेके आए और इस सेट में तमाम बंदे जो है उनका मकसद ही जिंदगी का ये है कि हमने अपने कैरियर में आगे जाने के लिए किसी तरह साइटेशन इकट्ठी करनी है, देन देयर मेनी वेज टू डू इट। तो उनमें से अगर आप ढूंढेंगे तो आपको तो बिल्कुल, मतलब कि कूड़ा में से आप ढूंढेंगे तो आपको कूड़ा ही मिलेगा। लोग तो ये हाँ साइटेशन कार्टल्स हैं, और दूसरा ये कि मैंने तो ये नोट किया कि जब मैं लाइक आईकैप पे आप कोई पेपर डालें तो आपको एक ऑटोमेटिक आपको ईमेल्स आती हैं, लाइक दे हैव नथिंग टू डू विद योर वर्क, और वो कहते हैं कि हमने भी ये काम किया हुआ है तो आप प्लीज हमें साइट करें। अब उनका मकसद क्या है? मकसद ये है कि जी हम 100 लोगों को ये ऐसी जंक भेजेंगे उनमें से 10 नाइस होंगे, हमें साइट कर देंगे। तो मतलब ये कि अगर तो आप गेम करना चाहें ना तो ये हमेशा कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने आप कहीं पे भी दुनिया में ये लिखा नहीं जाता क्राइटेरिया कि आपकी इतनी साइटेशन होगी, आपके इतने इम्पैक्ट फैक्टर होना चाहिए, नो वन केयर्स अबाउट इट। अभी इसी तरह से भी मैंने देखा कि अब आपने कहा ना कि जर्नल्स ने अपनी साइट अपने जो इम्पैक्ट फैक्टर्स है ना इस तरह से बढ़ा लिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपने कार्टल्स बनाए हुए हैं, एक पब्लिशर है, उन्होंने डिफरेंट जर्नल्स किए हुए हैं, और जब उनके पास कोई आता है पेपर पब्लिशिंग के लिए वो उनको कहते हैं कि आप हमारे जर्नल के जो पेपर हैं इनको साइट करें फिर हम आप इसको पब्लिश करेंगे। तो देयर डिफरेंट वेज इस तरह से कर रहे हैं, और फिर कुछ जर्नल मशहूर हो जाते हैं कि यू सेंड हियर, एपीसी जर्नल है कि यहाँ पे छपेगा, एंड देन दे साइट ईच अदर, इस तरह से बहुत से जर्नल्स के ऊपर चले जाते हैं इम्पैक्ट फैक्टर। जैसे अभी ये जो है हमारे एक प्रोफेसर साहब जिनका मतलब है कि उनकी बहुत ज़्यादा साइटेशंस हैं और बहुत ज़्यादा पेपर होते हैं, मेरा ख्याल था कि शायद अच्छी जगह पे ही लिखते हों, वरना कोई इनके पास तरीका है, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि इतना उनका नाम बना हुआ है। एक साहब ने उनके ऊपर एनालिसिस किया और एनालिसिस उन्होंने उनके ऊपर करके एक पेपर छापा, और वो पेपर उन्होंने उनके खिलाफ नहीं छापा, उन्होंने तो उनकी तारीफ में छापा, और उसमें उन्होंने कहा कि इनका जो है ना सबसे ज़्यादा काम जो है ना तकरीबन 150 पेपर 150 से 250 पेपर वो इस फिजिक्स के जर्नल में छपे हैं जो कि बेस्ट जर्नल है फिजिक्स का, क्योंकि इसका इम्पैक्ट फैक्टर है पता नहीं 6 और समथिंग। और जर्नल का नाम पता क्या था? कुछ गेस करेंगे क्या आपके जहन में हो सकता है? मुझे उमर ने बताया था कि लोगों ने मैथ्स के पेपर्स जो हैं वो सोशल स्टडीज के जर्नल में पब्लिश करवाए हुए हैं, तो मेरे लिए इतना नामकुर नहीं है ये, तो इस तरह कोई हो सकता है नाम? नहीं, जर्नल जो है ना फिजिक्स का जर्नल है, और अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस इट्स अ वेरी टॉप जर्नल, और जर्नल का नाम है रिजल्ट्स इन फिजिक्स। अब मैंने जिंदगी में मैंने इस जर्नल का नाम नहीं सुना। आई मीन अगर आपके पास बहुत अच्छा रिजल्ट है, एवरीवन साइंस इज टू फिज वेब लेटर राइट, और अगर आप हाई एनर्जी में काम कर रहे हैं यू सेंड इट टू फिज वेब डी जे हैप न्यूक्लियर या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स पी या हां या फिर यूरो फिजिक्स सी में आपने भेज दिया, ऑल्सो मैं जिस एरा से आ रहा हूं आई वुड ट्राई नॉट टू सेंड देयर, लेकिन ये है कि यहाँ पे नहीं ये लोग पब्लिश कर रहे। सो आई थिंक ये जर्नल्स को रेट करना, इट कैन ओनली दे कैन ओनली बी रेटेड अकॉर्डिंग टू रिप्यूट इन द कम्युनिटी। अगर आपने कोई क्राइटेरिया बनाना ही है, मिनिमल क्राइटेरिया, आप ये कहें, आप कम्युनिटी से पूछें कि कौन से जर्नल हैं आपकी कम्युनिटी में विच आर रिप्यूटेबल, आप उनसे 5 ले लें नाम, और आप लोगों को कहें कि यार आप इन 5 में ही पब्लिश करें, कहीं और ना ट्राई करें। ठीक है, अगर आप एक में बैड लक है, एडिटर ने आपके साथ रफिंग ने ज्यादती की, आप दूसरे में भेज सकते हैं, दूसरे में ज्यादती की तीसरे भेज सकते हैं, यू स्टिल हैव ऑप्शन ऑफ 4 or 5 जर्नल्स, एंड यू आर नॉट मेजरिंग देम अकॉर्डिंग टू एनी इम्पैक्ट फैक्टर और एनीथिंग लाइक दैट, यू आर मेजरिंग देम अकॉर्डिंग टू
रिप्यूटन कम्युनिटी, रिप्यूटन कम्युनिटी आप कैसे चेक कर सकते हैं, कम्युनिटी कहाँ पे पब्लिश कर रही है? तो कम्युनिटी जहाँ पे पब्लिश कर रही है, यू शुड ऑल्सो बी पब्लिशिंग देयर, राइट? यानी कि आप ये कह रहे हैं कि और ये मैंने काफी लोगों से सुना है और मैं खुद भी समझता हूँ ये बात काफी हद तक ठीक है कि क्वालिटी को क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है, राइट? यू कैन नॉट क्वांटिफाई, इम्पॉसिबल है, राइट? इम्पॉसिबल. अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन ये है कि यू नो हमें बताया कि यू नो एक जो काफी सारे एकेडेमिक्स होते हैं उनका जो गोल होता है वो ये होता है कि उनको टेन्योर्ड प्रोफेसरशिप मिल जाए, राइट? और फिर वो ये कई दफा ये करते हैं कि वो टेन्योर्ड प्रोफेसरशिप से पहले यू नो बहुत ज्यादा पब्लिश करते हैं, और कई दफा ये देखने में आता है कि जब उनको टेन्योर ट्रैक्शन मिल प्रोफेसरशिप मिल जाती है तो उसके बाद उनकी पब्लिकेशंस में डिक्लाइन आ जाता है, राइट? सो ये क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन काफी देर से है ना, मैं इस पे क्या कहते हैं क्या कहना चाहिए मुझे सोचने को सोच रहा हूँ कि क्या ऐसा होना चाहिए कि टेन्योर प्रोफेसरशिप का मतलब है कि आप चाहे कुछ भी ना करो आपको निकाला ही नहीं जा सकता. फिर मैंने देखा कि अभी रिसेंटली ये यूएस की जो स्टेट है जॉर्जिया, इसके अंदर एक लॉ पास हुआ जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आपको टेन्योर्ड प्रोफेसरशिप होने के बाद भी निकाला जा सकता है अगर आप बहुत अनप्रोडक्टिव हो. आपको क्या लगता है, ये इस तरह होना चाहिए या फिर टेन्योर ट्रैक प्रोफेसरशिप जो है उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए? चाहिए मेरे ख्याल में. अगर आपने टेन्योर दिया है तो इसका मतलब ही ये है कि यू आर नाउ ट्रस्टिंग दिस गाय कि इन्होंने अपना दे हैव प्रूव द मेटल, नाउ इट्स अप टू देम कि व्हाट दे वांट टू डू. लेकिन इन प्रैक्टिस ऐसा निकालते तो नहीं है, बट आई नो फॉर अ फैक्ट के लाइक प्रोफेसर अगर एक ही यूनिवर्सिटी में है, टेन्योर्ड हैं दोनों, एक जो है प्रोडक्टिव है कम्युनिटी में, नाम है, लीडर है कम्युनिटी में, और एक जो है वो बस कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, पेज में जमीन आसमान का फर्क होता है, 5-6 गुना का फर्क होता है. तो इट्स नॉट लाइक देयर नो रिपरकशंस. टेन्योर डजंट मीन के आपकी पेज एडजस्ट नहीं होंगी. पीपल हु आर प्रोडक्टिव दे गेट हाईली पेड कंपेयर टू दोज हु आर नॉट प्रोडक्टिव. But at least they have job security, which I think is a good thing. See, चलिए सर, बहुत मजा आया आपसे बात करने का. I hope कि आगे भी आपको invite करेंगे किसी और podcast episode के अंदर. Thank you. Thank you.